बच्चों, इस लेक्चर के अंदर मैंने एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो कॉनिक सेक्शन का पोर्शन होता है, जिसमें सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला डिटेल में मैंने समझा दी है। तकरीबन 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है ये, 35-40 मिनट का लेक्चर होगा ये। तो इसमें मैंने चीजों को समराइज किया हुआ है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आप लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए अगर वो आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे। तो ये जो हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, इन सबसे रिलेटेड मेरे चैनल पे कॉनिक सेक्शन की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड है इंटरमीडिएट की। वहां पे मैंने इनको डिटेल में समझाया भी है, चीजों की रीजन भी बताई हुई है, साथ इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हुए। तो अगर यहाँ पे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो सब मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो डिटेल में अगर आपने जाना होगा तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक तो स्ट्रेट लाइन का एक बड़ा पोर्शन है, उसके बाद जो पोर्शन आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री में वो कॉनिक सेक्शन का आता है। कॉनिक सेक्शन के अंदर आपको 4 ज्योमेट्रिक शेप्स मिलती हैं, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो आज जो हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन करेंगे वो क्या होगा, कॉनिक सेक्शन, और फिर हम इस वाले टॉपिक को हटा देंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड और कर्व्स। कर्व्स में मेजरली जो कॉनिक सेक्शन है, मतलब सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस में भी यूज होते हैं, तो दैट्स व्हाई इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये कॉनिक सेक्शन होता क्या है, बेसिक बातें हम पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये जो कॉनिक सेक्शंस हैं, ये आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। होता ये कि आपके पास एक कोन होती है, जिसको कौन सी कोन हमने लेनी है, राइट सर्कुलर कोन हमने लेनी है। और यहाँ पे जो हम राइट सर्कुलर कोन लेंगे उसके 2 नैप होंगे। ये समझ लो कि रियल लाइफ में जब आपने एक आइसक्रीम कोन वाली खाई होगी वो एक नैप कंसिडर होता है, हमने दूसरा भी नैप लेना है उसका। नैप आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल अगर आप कोई कोन बनाओ, डायग्राम में हम थोड़ा पीछे हैं तो इग्नोर कर देना, इस टाइप की एक कोन हमने बनाई है, इसको हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। ये नैप कहलाता है, जो अपर हाफ है इसको आप अपर नैप बोल सकते हो, और जो ये लोअर वाला हाफ है इसको आप, मतलब ये हो जाएगा अपर नैप और ये हो जाएगा लोअर नैप। बाकी इसमें चीजें डिफरेंट होती हैं, सबके नाम है, जैसे पॉइंट वर्टेक्स होता है, अच्छा इसी तरह ये जो जा रहा होता है इसको आप एक्सिस कहते हो, ये जो लाइंस है इसको आप जनरेटर्स बोलते हो, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। वहां जाके आप लोग खुद भी थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर टॉपिक पे रहूं, वरना फिर बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा ये। तो ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, मैं नाम लिख देता हूं राइट सर्कुलर कोन। अब होगा क्या कि आपने इस राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से इंटरसेक्ट करना है। प्लेन बच्चों 2 डायमेंशन शेप होती है, रियल लाइफ में अगर आपने प्लेन को देखना है तो छुरी जैसे होती है, छुरी इज ऑलमोस्ट अ प्लेन, बस उसकी थिकनेस अगर आप बिल्कुल 0 कर दो तो वो प्लेन बन जाएगा। प्लेन के अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन नहीं होता है। बहरहाल तो अभी समझ लो कि आपने छुरी से इस कॉनिक सेक्शन को कट करना है। अब डिफरेंट एंगल से कट करोगे तो डिफरेंट शेप्स आएंगी, मैं सब एंगल्स आपको बता देता हूं, एंगल इन द सेंस कि किस तरीके से आपने कट करना है। बाकी इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आप लोग जाकर खुद थोड़ी सर्च कर लेना तो मजीद सीख जाओगे। सबसे पहली बात अगर हम सर्किल की करें, तो अगर आप राइट सर्कुलर कोन को बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करो, कंसीडर ये एक्सिस है ना, तो आप बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर अपर नैप को कट करो या लोअर नैप को कट करो, तो कट करने के बाद जो आपको शेप मिलेगी वो शेप क्या कहलाती है, सर्किल कहलाती है। इसी तरीके से अगर आप जो आपका कंसिडर कर लो जो प्लेन है, जिसको मैंने आप लोगों को क्या बोला, छुरी समझ लो एक किस्म की, जब अगर आप उसको परपेंडिकुलर कटना करो, एक स्लाइट सा एंगल दो, जैसे ये ना बिल्कुल परपेंडिकुलर में कट कर रहा हूं, तो अब आप परपेंडिकुलर कटना करो, थोड़े से एंगल पे कट करो, तो जब आप इसको हम कहेंगे थोड़ा सा टिल्ट कर दो आप, तो हल्का सा अगर आप टिल्ट करोगे तो अब जो कटने के बाद आपको शेप मिलेगी उसको आप कहते हो इलिप्स। इसी तरीके से अगर जो आपकी छुरी है उसको आप, ये जो जनरेटर है, ये जो लाइन है ना, इसको हम जनरेटर बोलते हैं, अगर बिल्कुल इसके पैरेलल कट करोगे इस तरीके से, ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल में कट कर रहा हूं, या तो अपर नैप को करो या आप लोअर नैप को बिल्कुल जनरेटर के पैरेलल कट करो, तो जो आपको शेप मिलती है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, ये एक ही आपको शेप मिल रही होती है, जिसमें सर्किल और एलिप्स क्लोज कर्व है जबकि पैराबोला क्लोज कर्व नहीं है। बात करते हैं अपने चौथे कॉनिक सेक्शन की। चौथा जो है वो हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला आपको हमेशा 2 मिलते हैं,
डेफिनेशन इसमें थोड़ी बहुत हल्की पुल्की चेंजिंग होती है, लेकिन बेस्ट तरीके से आप समझ सकते हो ऐसे कि यार आपने कोन को इस तरीके से कट करना है कि अपर और लोअर दोनों नैप कटनी चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान में रखना है, जितने भी प्लेन आपने काटने हैं ना, ये वर्टेक्स से पास ना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्लेन वर्टेक्स से पास होगा, मतलब इस तरह कुछ आप कट करो वर्टेक्स उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर वो डी जनरेटेड का केस बन जाता है, वो अलग बात बन जाएगी पूरी। तो आप इस तरह कट करना है कि वर्टेक्स दरमियान में ना आ रहा हो। अच्छा जी, हाइपरबोला बनाने के लिए आपको इस तरह कट करना है कि अपर और लोअर दोनों कट हो जाए। अब वो डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल अगर आप कट करो तो आप देखो ऊपर वाला नैप भी कटेगा, नीचे वाला नैप भी कटेगा। हल्के से अगर एंगल पे भी काट दो तो भी आपका ऊपर और अपर वाला भी कट होगा, लोअर वाला भी कट होगा। तो आपको हमेशा जो शेप मिलेगी वो हाइपरबोला कहलाती है, और हाइपरबोला हमेशा आपको दो मिलते हैं, जैसे आपने देखा एक अपर एक लोअर, ये दो किस्म के हाइपरबोला हमेशा पेयर में आते हैं, इस टाइप के पेयर बने हुए होंगे, या तो इस तरह होंगे या एक ऊपर होगा एक इस तरह नीचे होगा। डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, उनका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता है, और रोटेशन का भी केस हो सकता है जो हम नॉर्मली बेसिक लेवल पे डिस्कस करते हैं, लेकिन रोटेशन भी हो सकती है कि पैराबोला में रोटेशन हो या एलिप्स में रोटेशन हो। सर्किल के अंदर तो रोटेशन नहीं हो सकती, वो तो एक ही रहेगा, लेकिन जैसे आपका पैराबोला बनता है इसके अंदर थोड़ा रोटेशन हो जाए। अब इसका एक्सिस जो है ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस है ना ये अलोंग वाई एक्सिस है, रोटेट आपने किया है। इसी तरह एलिप्स भी आप बना सकते हो, कंसिडर कर लो थोड़ा रोटेशन वाला आप कर रहे हो तो रोटेशन वाले भी बन सकते हैं। जो रोटेशन वाले होते हैं ना एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, उनकी इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म आ रही होती है, तो वहां से भी आप पहचान लेते हैं कि रोटेशन वाला केस है। लेकिन नॉर्मली हम बेसिक लेवल पे प्री कैलकुलस ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बहुत ही कॉनिक सेक्शन के अंदर नहीं जाऊंगा। यहां पे बेसिक हम डिस्कस करते हैं, या तो अलोंग एक्स एक्सिस है वो ठीक है, या अलोंग वाई एक्सिस आपके पास उसका एक्सिस होता है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जो भी है। अच्छा जी, या पैरेलल भी हो सकता है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस के पैरेलल होगा या उस एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिक बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि शेप कहां से आनी है, राइट सर्कुलर कोन को किस तरीके से आपने कट करना है। अब आ जाओ सर्किल के ऊपर, सर्किल के शेप के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो सर्किल है इसकी एक तो डेफिनेशन होती है, सर्किल बेसिकली एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। अगर आप सर्किल वाले जो पूरा कर्व है ना सर्किल का, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब एक पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन किया है और आपके पास एक शेप आई है। उन पॉइंट्स की खासियत क्या है, उन पॉइंट्स की खासियत ये कि वो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। आप सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट पिक कर लो, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगा, जिसको हम कहते हैं सेंटर। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट जो है वो सेम डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को आप रेडियस कहते हो। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई भी होगी, तो ये सर्किल की डेफिनेशन में आ जाता है। तो डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, अब ये मैं बातें लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम जाया होगा इस पे। असल बात आ जाओ कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, दो इक्वेशन हम यूज करते हैं, एक को आप कहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ सर्किल और एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सवाल ये कि इसमें h, k और r यहां पे क्या है, तो बच्चों जो सेंटर है वो किस पे है, वो है h कॉमा k के ऊपर, और यहां पे जो रेडियस है वो है r। अगर आपको सर्किल का सेंटर पता हो और आपको सर्किल का रेडियस पता हो तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, बहुत ही सिंपल सा। ये इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हो। नॉर्मली हम वहीं पे यूज करते हैं इक्वेशन जब आपको फाइंड करनी होती है सर्किल की, तो वहीं आप यूज करते हो जब आपको रेडियस गिवन हो या सर्किल का सेंटर गिवन हो, या बेशक रेडियस ना गिवन हो, कोई ऐसा डाटा गिवन हो जिससे आप आसानी से रेडियस निकाल सकते हो। जैसे आपको सेंटर दे दें और सर्किल की बाउंड्री पे एक पॉइंट दे दें, आपको पता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्म लगा के रेडियस निकाल लोगे। तो कहने का मतलब नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म आप उसी वक्त यूज करते हो जब आपको सेंटर रेडियस पता हो, तो आसानी से इक्वेशन निकाल लेते हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म सर्किल की। दूसरी फॉर्म जो है जो हम यहां पे पढ़ लेते हैं वो है जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म मेजोरिटी आप यूज कर रहे होते हो। जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यह कहलाती है सर्किल की जनरल फॉर्म।
अब सवाल ये सेंटर रेडियस क्या है इसके अंदर, सेंटर होता है बच्चों माइनस जी माइनस एफ के ऊपर, और रेडियस क्या होता है जनरल फॉर्म में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सवाल है कि यूज किस तरीके से हम करते हैं। नॉर्मली होता यह है कि जब आपको सेंटर और रेडियस पता होता है, देखो दो किस्म के सवाल होते हैं, या तो आपको कोई डाटा गिवन होता है उसकी मदद से आपको इक्वेशन निकालनी होती है सर्किल की, या आपको सर्किल की इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन से आपको कुछ डाटा निकालना होता है, सेंटर रेडियस ये निकालना होता है, दो किस्म के सवाल होते हैं। अब बिल्कुल अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करोगे और सर्किल की इक्वेशन मालूम कर लोगे, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूं, नॉर्मली जो इजी होता है, वरना तो आप कोई भी फॉर्म यूज कर लो कोई मसला नहीं, दोनों सर्किल की फॉर्म है, इसको अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करो तो इस फॉर्म में बन जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। ये वाली इक्वेशन ये जनरल फॉर्म है कैसे आई है, आप इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद बस हमने इसको नाम रखे हैं, ओपन करने के बाद वही एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वही वाई स्क्वायर की होगी, जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसको हमने 2g का नाम दे दिया, जो वाई का कोएफिशिएंट है उसको 2f, और जो कांस्टेंट होगा उसको c का नाम दे दिया, तो इसी को सॉल्व करो तो ये बन रही है, तो कोई आसमान से उठ के नहीं आई, सेम इक्वेशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आसानी जो है मैं उसमें बता रहा हूं कि सेंटर रेडियस गिवन हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। अब सवाल है कि कभी आपको सेंटर रेडियस ना गिवन हो और आपको इक्वेशन निकालनी है, डेटा डिफरेंट हो, डेटा क्या हो कि आपको सर्किल के ऊपर कोई तीन पॉइंट पता हो, मतलब सर्किल की बाउंड्री के ऊपर आपको कोई तीन पॉइंट पता है, तो अब उन तीन पॉइंट से सेंटर रेडियस तो नहीं आ सकता, तीन पॉइंट से आप कैसे गेस करोगे कि सेंटर क्या है रेडियस क्या है, तो फिर हम क्या प्रेफर करते हैं, हम जनरल फॉर्म प्रेफर करते हैं। किस तरीके से, आप तीनों पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, तीनों पॉइंट इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो तीन इक्वेशन आएंगे, उन तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां पर तीन ही अननोन है जी एफ सी, तो तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तीन अननोन की वैल्यू आ जाएगी, दैट सेट वो वैल्यू पुट करना आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर सेंटर रेडियस हो तो ये कर लोगे, सेंटर रेडियस के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो, या तो तीन पॉइंट्स हो या दो पॉइंट हो, कोई तीसरी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो दो पॉइंट से दो इक्वेशन बनाओगे, तीसरी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अगेन वही जीएफसी की वैल्यू निकाल के आप जनरल फॉर्म यूज कर लोगे। दूसरी कैटेगरी क्या है कि आपको सर्किल की इक्वेशन दे दें और बोलेंगे आप उससे सेंटर या रेडियस निकालो, ये सवाल आपको दे देंगे, तो आप जनरल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जनरल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्स, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, आपको बोला जा रहा है कि यार आप सेंटर और रेडियस निकालो। अब ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपको दी जाएगी, अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाए फिर तो मसला ही हल, डायरेक्ट सेंटर रेडियस आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन आपको इस तरह दी जाए कि एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर, फिर तो आपको डायरेक्ट पता है सेंटर कहां पे है, थ्री कॉमा फोर के ऊपर, और रेडियस क्या है इसका फाइव है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट आपको कंपेयर कर लोगे आप। लेकिन अगर जनरल फॉर्म में गिवन हो तो क्या करो, एक तरीका तो आपके पास ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टेक्निक लगा के इसको किसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर सेंटर रेडियस आ जाए, थोड़ा लंबा पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है कि जनरल फॉर्म में अगर आपकी सर्किल की इक्वेशन है, तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि एक्स और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1:1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, तभी ऐसे भी आपके पास इक्वेशन होती है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना हो, फॉर एग्जांपल इस तरह हो 2:2 है। पहली बात, सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब बिल्कुल अगर वो 2:2 है तो ये जनरल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, जब तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1:1 नहीं होगा वो जनरल फॉर्म नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। तो अगर इस टाइप के सवाल हो तो आप लोग इस तरह देख लेना। अच्छा, तो अब बिफोर अगर आपको सेंटर रेडियस निकालना हो तो आप क्या करो, जस्ट जी एफ सी की वैल्यू निकाल लो, अगर ये तीन अननोन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे और इनको इन फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास सेंटर या रेडियस आ जाएगा। इसकी ट्रिक भी होती है, मतलब एक छोटी सी ट्रिक, मतलब है ही कि दो तीन स्टेप आपके बच जाएंगे, वो ये है कि पहले आप जीएफसी की वैल्यू निकालोगे ना, उस वैल्यू को छोड़ दो, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको सेंटर निकालना है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस जी माइनस एफ। अच्छा, माइनस जी की अगर आप, एक तो तरीका है ना कि आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो, 2g की वैल्यू आएगी, फिर जी की निकालोगे, फिर माइनस जी की वैल्यू निकालोगे। डायरेक्ट माइनस जी की वैल्यू निकालने का भी तरीका है, वो क्या है कि आप एक्स के कोएफिशिएंट को माइनस टू से डिवाइड कर दो, ना मैं एक्स के कोएफिशिएंट को माइनस टू से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा सिंपल। इसी तरह वाई के कोएफिशिएंट को माइनस टू से डिवाइड करो तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो ये माइनस एफ निकालने का डायरेक्ट तरीका है। तो आपके पास डायरेक्ट सेंटर आ गया। अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस में क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर,
तो जब ये माइनस जी है ना, माइनस जी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। माइनस एफ का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। इसका मतलब शुरू की दो टर्म तो आसानी से आप लिख सकते हो, कैसे, वन का स्क्वायर वन, माइनस टू का स्क्वायर फोर। फिर है माइनस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आपको सामने नजर आ रहा है, सिक्स है। बाय द वे जो सर्किल है ये सर्किल ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि इसका जो रेडियस है वो इमेजिनरी आ रहा है। सेंटर तो इसका रियल है लेकिन रेडियस जो है वो इमेजिनरी, तो सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। अगर आप किसी ग्राफिंग ऐप पे इसको ड्रॉ करोगे तो सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस देखो इमेजिनरी हो रहा है। 5 - 6 - 1 मतलब आयोटा आ जाएगा इसके अंदर। तो हम अगर चाहें तो थोड़ी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ताकि रियल हो जाए थोड़ा, ये वो ये कि मैं इसको 4 कर देता हूं तो अब ये हो जाएगा। तो यहां पे माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 के बराबर होता है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आ रहा है, रूट टू। तो इस सर्कल का रेडियस क्या है, रूट टू, और सेंटर कहां पे है, -2, -2 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म यूज करते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, ये भी इंटरमीडिएट लेवल पे बताए जाते हैं। वो ये कि मैं वर्बली आप लोगों को बता देता हूं, लिखवा देता हूं कि कौन कौन से केसेस होते हैं स्पेशल। कि फॉर एग्जांपल ये जो जनरल फॉर्म है ना, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर इस जनरल फॉर्म में जो अगर सर्किल है उसका अगर वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ओरिजिन, और आगे मैं लिख देता हूं पास, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, आप लोग समझ जाना। तो अगर आपका सर्किल ओरिजिन से पास करता है तो याद रखो, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर भी बताई थी बात कि कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है उसमें कांस्टेंट नहीं होता। उसका मतलब अगर आपका सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, कांस्टेंट उसके अंदर नहीं होता। जस्ट वेरिएबल की टर्म्स आपको नजर आती हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की होगी, एक्स की होगी, वाई की होगी, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। सेकंड केस का भी इस तरह होता है कि भाई अगर सर्किल का सेंटर जो है वो अगर ओरिजिन के ऊपर हो, सर्किल का सेंटर अगर ओरिजिन के ऊपर हो, तो बच्चों सर्किल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो मतलब जी और एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जी एफ जीरो का मतलब आपकी इक्वेशन में जस्ट ये दो टर्म बचेंगी और कांस्टेंट बचेगा, मतलब जी और एफ आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ताकि आप इक्वेशन बना लेना, जब जी एफ जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो बच जाएगी। इसी तरह कुछ केस ऐसा भी आ सकता है कि सर्किल का सेंटर जो है वो कहां पे है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आपको पता है जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उसकी वाई वैल्यू जीरो होती है। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आपकी इक्वेशन में एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाकी कौन कौन सी टर्म बचेंगी, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कॉन्स्टेंट वाली। इसी तरह बिलफर्ज अगर आपका सेंटर जो है आपको बोला जाए कि वाई एक्सिस के ऊपर है, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर हो तो उसकी एक्स वैल्यू जीरो होती है। एक्स वैल्यू का मतलब जी यहां पे जीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई और कॉन्स्टेंट की टर्म रह जाएगी। उसके बाद और भी केसेस होते हैं कि यार आपका अगर सर्किल जो है वो टेंजेंट हो एक्स एक्सिस के ऊपर तो वहां पे रेडियस जो है वो एफ के बराबर होता है। अगर टेंजेंट हो वाई एक्सिस के ऊपर तो आपका रेडियस जो है वो जी के बराबर हो जाएगा। और भी मजीद केसेस होते हैं लेकिन मशहूर ये दो तीन बातें पूछी जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए इक्वेशंस देख के, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड भी एक दो कॉन्सेप्ट, ये जो जैसे ये वाला केस था कि अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप ये केस डिस्कस कर सकते हो कि बिल्कुल अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो मतलब 0, 0 तो एच और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो काफी मशहूर इक्वेशन है ये, उस सर्किल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर होता है। बस वो जनरल फॉर्म में थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो और रेडियस उसका 1 हो तो आर की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी एक स्पेसिफिक किस्म की सर्किल की इक्वेशन होती है जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिट सर्किल, ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो। अच्छा, इसी तरह अगर रेडियस 0 हो जाए तो इस वाले सर्किल को भी एक नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं पॉइंट सर्किल। आप ये समझ लो कि जब आपके पास एक सर्किल है, आप उस सर्किल, फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्किल बना हुआ है, आप इसका रेडियस छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक वक्त आएगा रेडियस आप इसका जीरो कर दो तो एक पॉइंट बन जाएगा पूरा। तो दैट्स व्हाई अगर आप इस कॉन्सेप्ट से देखोगे ना कि रेडियस मैं जीरो करता जा रहा हूं तो अब जो पॉइंट बनेगा उसको हम पॉइंट सर्किल कहेंगे। नॉर्मली अगर कहीं पॉइंट गिवन हो तो उसको पॉइंट सर्किल बोला नहीं जाता ना, उसको पॉइंट ही बोला जाएगा,
लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही हो कि रेडियस आप इसको करते करते जीरो कर दो, तो अब जो वो सर्किल है उसको हम बोलेंगे ये पॉइंट सर्किल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड स्पेशल केसेस भी हमने देख लिए। अच्छा जी, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सर्किल के अंदर कि अगर आपको मालूम करना हो कि कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड है आउटसाइड है तो कैसे मालूम करोगे, जस्ट सर्किल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो आसानी के तौर पे, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आसानी के लिए कोशिश रखो कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। कुछ केसेस में जरूरी होता है, कुछ में जरूरी नहीं है, तो बेहतर है अपनी हैबिट बना लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन वन हो। तो अगर आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे दी जाए, फॉर एग्जांपल ये सर्किल की इक्वेशन दे दी जाए और आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और आपको बोले कि बताओ ये पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट गिवन है, अब आपको पता है सेंटर सर्किल के अंदर होता है ना, इनसाइड होता है, तो जब आप ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन में पुट करोगे ना तो देखना आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। तो जब भी कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड होगा, और ये बात इलिप्स के अंदर भी है, सब कर्व के अंदर है, अगर वो इनसाइड है तो इसका मतलब जब आप पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। यहां पे आप x और y की जगह पे -2 -2 पुट करना, देखना पूरी चीज का आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो इसका मतलब जब आप उस पॉइंट को पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि वो पॉइंट सर्किल के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है। तो ये कॉन्सेप्ट तो याद रखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन हो कर्व हो, जब भी कोई पॉइंट ऊपर हो तो वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। सेटिस्फाई करने का मतलब जब वो आप पॉइंट पुट करोगे इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी अगर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर हो, ठीक है। तो तीनों केसेस मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, उसके बाद कुछ टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टेंजेंट लाइन के बारे में आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सर्किल बनाओ, और ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट तो किसी भी कर्व के अंदर होता है, लेकिन अभी सर्किल की बात करते हैं। कोई एक पॉइंट आप पिक कर लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनाओ। टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्किल को किसी पॉइंट पे टच करके जा रही है। जब एक पॉइंट, इसको इंटरसेक्ट का वर्ड बोल सकते हैं, कि इंटरसेक्ट उसको बोला जाएगा कि जब वो दो पॉइंट को क्रॉस कर रही है। अगर वो एक पॉइंट को क्रॉस करती हुई जा रही है तो टच का वर्ड हम यूज करते हैं। तो टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्किल को टच कर रही होती है एक पॉइंट पे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी भी होती है कि ये टेंजेंट है, अगर आप जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, इस पे अगर आप एक 90 डिग्री की लाइन बनाओगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल का। तो ये हो जाएगी टेंजेंट लाइन, और ये सब कर्व के अंदर होता है टेंजेंट, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अभी प्रॉपर्टीज भी मैंने आप लोगों को बतानी है सर्किल की। एक प्रॉपर्टी अभी से देख लो कि जो नॉर्मल लाइन होती है ये हमेशा सेंटर से पास करती है, ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, बताना मैं जा रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट जो है ये सर्किल के ऊपर था, तो इससे एक टेंजेंट आपने बनाया है, मतलब इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट सर्किल की बाउंड्री के ऊपर हो तो आप एक ही टेंजेंट उससे पास करवा सकते हो, मतलब इस तरह वो पास कर रहा होगा। अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट यहां पे है, तो अब आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट इस तरीके से, एक टेंजेंट इस तरीके से, मतलब इसको मिला लेना आप। तो अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, अगर कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो उससे आप एक ही टेंजेंट बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो उससे फिर आप टेंजेंट लाइन नहीं बना सकते ना, जो अंदर है उसे टेंजेंट लाइन कैसे बनाओगे, सेंस नहीं बनेगी। जो ऊपर है उससे आप एक ही टेंजेंट लाइन बना सकते हो, और जो बाहर होगा उससे आप दो टेंजेंट लाइन बना सकते हो। ये भी प्रॉपर्टीज में आता है कि जब दो टेंजेंट आप बनाओगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट पे मिल रहा है ये वाला इससे, तो फिर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये भी आपस में बराबर होगा। इसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं, कि दो टेंजेंट आपने बनाए हैं उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने साथ साथ क्या सीख लिया, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे, बाहर अगर पॉइंट हो तो दो टेंजेंट, सर्किल के ऊपर हो तो एक टेंजेंट बना सकते हो, और सर्किल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया। उसके बाद ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताना था कि अगर कोई एक पॉइंट है उससे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब देखो टेंजेंट तो एक लाइन है, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, तो हम इस टेंजेंट का एक सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं, वरना लेंथ तो आप निकाल नहीं सकोगे, इनफाइनाइट हो जाएगी। वो सेगमेंट क्या है, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाना स्टार्ट किया उससे लेके जिस सर्किल के पॉइंट पे वो टेंजेंट है, ये जो पूरा सेगमेंट है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला यूज होता है, इसको मैं हटा देता हूं। वो फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दो। पहले सर्किल को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जो सर्किल की इक्वेशन है ना इसमें उस पॉइंट को पुट कर दो। कंसीडर करो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तो x की जगह पे पुट कर दो x1, y की जगह पुट कर दो y1, फिर 2gx1 + 2fy1 + c। सिंपल लैंग्वेज में
आपने क्या किया, आपने सर्किल की इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर दिया और पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसका आपने स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। उसके बाद सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी होती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के काम होते हैं। कितनी दफा आप किसी चीज को अगर एनालाइज करना चाह रहे हो कि यार वो उसमें चेंजिंग क्या आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर टाइम के रिस्पेक्ट से एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंजिंग आ रही है, तो अगर नॉर्मल सर्किल की इक्वेशन हो तो हमें नहीं पता कि टाइम अगर चेंज होगा तो क्या होगा, कोई रिलेशन हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने इंडिपेंडेंटली मतलब एक्स और वाई को अगर ऑब्जर्व करना है ना, और किसी भी रिस्पेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल टाइम के रिस्पेक्ट से आपने चेक करना है उसको, तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसी तरह वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक करना हो कि यार एक्स में क्या चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोई भी आप बना सकते हो। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, एंगल अगर चेंज होता जा रहा है तो एक्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप इसे निकाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको मालूम करना हो कि अगर थीटा मैं चेंज कर रहा हूं वाई पे क्या फर्क पड़ रहा है, थीटा अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो वाई पे क्या है, थीटा कम कर रहा हूं क्या है, तो कहने का मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफरेंट चीजों के लिए यूज होती है। मेन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एक्स और वाई को देखना हो कि ये किसी तीसरे पे इनका क्या असर पड़ रहा है, तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन से आसानी से एनालाइज कर सकते हो। तो ये इक्वेशन जो है ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। अच्छा, अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज मुझे करवानी तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का टॉपिक है नहीं, लेकिन मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो मशहूर है ना वो अपने पास स्क्रीनशॉट लेके सेव रखी हुई थी, ताकि बस मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं, बता दूं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बस जैसे एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज होती है कि लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब एक कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है सर्किल के अंदर जो सर्किल के दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही होती है, जैसे ये वाली लाइन जो है ये कॉर्ड है, जो डायमीटर है वो भी कॉर्ड है, सर्किल के दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होता है ना, सर्किल के डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्किल के दो पॉइंट को कनेक्ट भी कर रहा होता है, साथ सेंटर से भी पास कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मली होता तो कॉर्ड ही है ना वो। तो उन्होंने बात बोली है कि अगर आप सेंटर से ड्रॉप करना ना, अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये सेंटर है, इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं कॉर्ड के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर है ना वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। आप कोई भी कॉर्ड सर्किल के अंदर ले लो, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कॉर्ड ले लो, आप ये वाला ले लो और आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, आप ऑब्जर्व करोगे वो जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉप की है वो कॉर्ड को बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रही है। इसी बात को डिफरेंट अंदाज में बोला जाता है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। डिफरेंट अंदाज में ये कि अगर आप कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो तो वो सेंटर से पास करेगा, वो एक ही कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो रहा है। अच्छा जी, अब इसको एक और तरीके से बोला जाता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। कि अगर आप सेंटर को इस कॉर्ड के किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन करो तो वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको डिफरेंट अंदाज में बोला गया। अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस। जो सेम लेंथ के कॉर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे इसकी लेंथ कंसीडर कर लो 5 है, इसी टाइप का एक कॉर्ड आप यहां पे भी ले लो जिसकी लेंथ 5 है, तो अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो जो सेंटर से उनका डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। बिलफर्स कंसीडर कर लो, ये वाला कॉर्ड और इस वाले कॉर्ड की लेंथ सेम है, तो फिर इसका डिस्टेंस सेंटर से और इसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम होगा, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया जा रहा है कि मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो, तो दो इक्वल कॉर्ड है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सिंपल सी बात है सेंटर से सेम होगा। उसके बाद लिखा हुआ है एन एंगल इज एंगल, अच्छा वर्ड है ना, अच्छा वर्ड ये होना चाहिए कि इंस्क्राइब एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। कहने का मतलब ये है यहां पे कि विल्फर्ड्स आप एक सेमी सर्किल बनाते हो, हम सेमी सर्किल बनाते हैं, ठीक है, इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, इंस्क्राइब एंगल देख लेते हैं जरा, इंस्क्राइब एंगल ये होता है कि इन फॉर एग्जांपल आप इस पूरी सेमी सर्कल के बाउंड्री है ना जो आर्क है इस पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट पिक कर लेता हूं ये वाला, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को यहां से और इस तरह ज्वाइन करता हूं तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब एंगल, जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे पिक कर लो
और इसको ज्वाइन कर दो इससे, इसको ज्वाइन कर दो इससे, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा, इंस्क्राइब एंगल। तो हमेशा सेमी सर्कल के अंदर ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। आपको देखने में भी बात नजर आ रही होगी कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ था टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। वही बात जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि ये जो टेंजेंट है ना, रेडियल सेगमेंट क्या होता है, रेडियल सेगमेंट होता है कि रेडियस से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की है बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट है रेडियस से मैंने एक परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट पे ये जो रेडियल सेगमेंट होता है ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप पहले टेंजेंट लाइन बनाओ, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है उससे लेके आप रेडियस तक एक लाइन बनाओ, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे जो रेडियल सेगमेंट है और जो टेंजेंट है ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा जी, नॉर्मल लाइन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, अभी बताया था कि जो नॉर्मल लाइन होती है वो सर्कल के सेंटर से पास करती है। अच्छा, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो प्रॉपर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं हल्का सा आइडिया देता हूं और एक दो तीन और भी आप लोग खुद जाके देख लेना उसको, बस आखिरी बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक आर्क पिक की सर्कल के ऊपर, ये वाली आर्क भी पिक की आपने, ठीक है, ये वाली आर्क हम पिक कर लेते हैं, इसका एक एंड पॉइंट यहां पे, यहां पे सर्कल पे हमने एक आर्क पिक कर ली और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, कंसीडर कर लो सेंटर पे एंगल बन रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है और इस आर्क के अलावा आप इस पूरी दो आर्क, अगर आप देखो ये माइनर आर्क है और ये जो दूसरी वाली जो है ये मेजर आर्क कहलाई जाती है, तो ये जो मेजर आर्क है ना इस पे आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे पिक कर लिया, आप इसको इस तरह ज्वाइन करो, यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको वाई बोलो, तो हमेशा आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो वाई होगा, सॉरी जो एक्स होगा, ये हमेशा टू टाइम्स होगा वाई के, मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा होगा यहां पे डबल बन रहा होगा, अगर यहां पे 30 बन रहा है तो यहां पे 60 बनेगा, यहां पे अगर 60 बन रहा है तो यहां पे 120 बनेगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लेना। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं देख लेना उनको भी आप लोग। तो सर्कल वाला पोर्शन जो है बच्चों वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आ जाओ पैराबोला के ऊपर। पैराबोला की सबसे पहली बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो एक तो डेफिनेशन इनकी ये होती है कि यार ये आए कैसे, मतलब कॉनिक सेक्शन से आपने किस अंदाज में कट किया, वो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस किस तरीके से कट करेंगे तो आपको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला मिलेंगे। एक जो कट करने के बाद जो शेप आती है, इस शेप को डिफाइन करने के लिए क्या हम डेफिनेशन यूज करते हैं, वो ये होती है कि ये जो पैराबोला एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर अगर आप कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से ये हमेशा सेम रहता है। क्या मतलब है जरा देख लेते डायग्राम बना के। पैराबोला की जो डायग्राम होती है वो इस टाइप की होती है, ये आपको पैराबोला मिलता है इस टाइप, ठीक है। तो अब ये जो शेप मैंने आपके सामने बनाई है, ये जो पैराबोला बनाया है, इसमें आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला पॉइंट पिक कर लिया। पैराबोला में एक होता है बच्चों फोकस, ठीक है, और एक होती है फिक्स लाइन। फोकस और फिक्स लाइन ये दो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब असल सवाल ये कि चीजें आई कहां से, फॉर एग्जांपल फोकस क्या है, फोकस कहां से आया, ये जो लाइन मैंने बताई है फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं इसको, ये कहां से आई, ये सब टॉपिक जो इंटरमीडिएट में सीखने चाहिए हैं। अभी अगर मैं रीजन बताने लग जाऊंगा वो टॉपिक बहुत लंबे होते जाएंगे, मैं कैलकुलस से निकल जाऊंगा फिर, तो अभी मैं एज्यूम यही करूंगा कि आप लोगों को आइडिया है कि डायरेक्ट्रिक्स कहां से आते हैं, सब चीजें क्या है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो, फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो होता ये है कि पैराबोला के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, उसका डिस्टेंस इस फोकस से, उसका डिस्टेंस इस लाइन से हमेशा सेम होता है। दिखने पर डायग्राम में शायद ना सही लगे क्योंकि पैराबोला मैंने सही नहीं बनाया हुआ, बहरहाल ये दोनों डिस्टेंस जो है ये आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पैराबोला जो है सेट ऑफ पॉइंट्स है ना सारे, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फोकस है और जिनका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से सेम हो, उस पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो कर्व आएगा उस कर्व को आप क्या बोलोगे, पैराबोला। ये सिंपल पैराबोला की डेफिनेशन होती है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों को बता देता हूं, जैसे फोकस तो आपने देख लिया फिक्स पॉइंट। अच्छा, फोकस के कॉर्डिनेट हम क्या लेट करते हैं, फोकस के कॉर्डिनेट लेट करते हैं ए कॉमा जीरो, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ना इसको हम लेट करते हैं ए के बराबर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई वैल्यू जीरो है इसकी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर ये ओरिजिन ले लो आप, ओरिजिन भी तो पैराबोला के ऊपर ही है ना, तो ओरिजिन भी एक किस्म का पॉइंट है जो पैराबोला के ऊपर है, उसका मतलब उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी सेम होगा। तो अगर आपने ये ए लिया है तो ये वाला पूरा डिस्टेंस भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना,
तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस के लेफ्ट पे लाइन बनी हुई है और डिस्टेंस a है पूरा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो भी आप कह सकते हो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। अगेन यहां पे भी कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड तो किसी भी आप कर्व में बना सकते हो। अगेन कॉन्सेप्ट वही होगा, जैसे मैं ये बना देता हूं, ये देखो। अगर आप देखो कॉर्ड क्या होता है, जो किसी भी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होता है। तो अगर आप देखो ये दो पॉइंट्स हैं, इसको ये कॉर्ड ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है। एक तो जनरल कॉर्ड है, ठीक है, लेकिन एक ऐसे कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोकल कॉर्ड का। ठीक है, एक स्पेसिफिक किस्म का फोकल कॉर्ड है जिसका हमने क्या नाम रखा हुआ, लेटर सेक्टम। प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप इसको देखो तो ये भी एक किस्म का कॉर्ड है, ये वाला जो मैंने बनाया, ये कॉर्ड है पूरा, फोकस से पास कर रहा है तो फोकल कॉर्ड है। लेकिन ये जो फोकल कॉर्ड है इसकी खास बात क्या है, इस फोकल कॉर्ड की खास बात यह है कि ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, उसके लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। अच्छा, बाय द वे एक्सिस क्या होता है पैराबोला का, पैराबोला के एक्सिस वो होता है जो पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस से पास कर रहा होता है। ये पैराबोला का क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो अगर आप देखो ये जो है ये पैराबोला के वर्टेक्स से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये जो मैंने पैराबोला बनाया इसका एक्सिस जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। बारह, तो लेटर सेक्टम देख लिया, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस वाले केस में, 0,0 हो जाएंगे। अच्छा, सवाल है कि लेटर सेक्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो लेटर सेक्टम की इक्वेशन है, लेटर सेक्टम की इक्वेशन सिंपल क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए इक्वेशन हो जाएगी। और लेंथ क्या होगी, यहां पे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 4a। अब डिपेंड करता है, कोई ए को पॉजिटिव लेता है, कोई ए को नेगेटिव लेता है। मतलब ऐसे भी आपको टेबल नजर आएंगे जिसमें ए को नेगेटिव लिया, मतलब ए की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और कुछ ए की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, वो कहेंगे ए हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही होती है, नहीं कॉन्टेक्स्ट अच्छा वर्ड नहीं है, डिफरेंट आप ये समझ लो स्टैंडर्ड लोगों ने फिक्स किए हैं, डिफरेंट जगहों पर आपको नजर आ रहे हैं। ज्यादातर आपको ये नजर आता है कि ए को पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है, और अगर पैराबोला की डायरेक्शन चेंज हो तो खुद ही माइनस लगा दिया जाता है। जैसे अगर ये पैराबोला इस तरह, अगर पैराबोला इस तरह बन जाए तो अब वो ए की वैल्यू को नेगेटिव नहीं ले रहे, वो ए के साथ माइनस लगा देंगे, कहेंगे ए तो 2 ही है लेकिन डायरेक्शन की वजह से माइनस 2 कर देंगे उसको। तो डिफरेंट किस्म की बात हो सकती है। तो अगर ए आप पॉजिटिव ले रहे हो तो लेंथ 4a होगी, कुछ जगहों पे ए को नेगेटिव लिया जाता है तो वहां पे मॉड लगा देंगे क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती ना, तो दैट्स इट, इसको आप कहते हो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। कुछ बेसिक बातें पढ़ ली हैं, बाकी मजीद हम पढ़ते हैं। अब आ जाओ इक्वेशन के ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, खास तौर पे जो मैंने आप लोगों के सामने पैराबोला बनाया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, y² = 4ax, उस वक्त जब एक्सिस क्या हो, अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो ये इक्वेशन यूज होती है। So, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन हो जाएगी x² = 4ay। ये कब हो जाएगा, जब एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाए। अच्छा, कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो फिर आपकी इक्वेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y - k² = 4ax - h। ये उसकी होती है जिसमें एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। और आखिरी क्या होगी, x - h² = y - k। ये उस पैराबोला की इक्वेशन है जो पैरल है, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरल जो होगा उसकी ये इक्वेशन होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की, डिपेंड करता है पैराबोला के एक्सिस कहां पे। इसकी जनरल फॉर्म भी यूज होती है, जनरल फॉर्म को इस तरह लिखा जाता है, जनरल फॉर्म को किस तरह लिखा जाता है, ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब जनरल फॉर्म जो है ना बच्चों, हम जो यूज करते हैं, अगेन वही बात, रोटेशन वाला पैराबोला यूज नहीं कर रहे होते नॉर्मली, मतलब ये अभी या तो इस तरह बनेगा या ऊपर बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा टेढ़ा बने, यो इस तरह नहीं बनेगा, वो रोटेशन वाला होता है, फिर उसकी इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म आ जाती है। तो अगर नॉर्मल पैराबोला आप कंसिडर करो ना, तो जनरल फॉर्म उसकी ये होती है, जिसमें होता क्या है कि या तो ए जीरो होता है और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये पहला केस है, या ए जो है
वो नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन बी जीरो के बराबर है। ये दो ही केस होते हैं। ऐसा पैराबोला नहीं आप देखोगे जिसमें आपको ए और बी मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की टर्म नजर आ रही हो, ऐसा पैराबोला नहीं होता। या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, मतलब या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ए और बी दोनों नॉन जीरो हो, वो फिर पैराबोला की इक्वेशन नहीं होती। अगर आप वो तो ऑब्जर्व करो, अगर इन सिंपल केसेस में देखोगे इसमें तो आपको एक्स और वाई ये बाकी टर्म भी नजर नहीं आ रही है, सच कॉन्स्टेंट भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको देखो ना तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो वाई स्क्वायर वाली ड्रम होगी, वाई वाली ड्रम होगी, एक्स वाली ड्रम होगी, कॉन्स्टेंट होगा लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है इसके अंदर। इसी तरह इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली ड्रम है, वाई वाली ड्रम है, कॉन्स्टेंट है लेकिन वाई स्क्वायर नहीं है। तो या तो एक्स स्क्वायर होता है या वाई स्क्वायर होता है। तो जनरल फॉर्म अगर आप कहना चाहो तो इसको हम जनरल फॉर्म में पैराबोला कहते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि या ए जीरो होगा और बी जीरो नहीं होगा, या बी जीरो होगा ए जीरो नहीं होगा। ये दो बातें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके सवाल किस तरीके से आते हैं? सवाल बच्चों डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट दो ही होते हैं, या तो आपको पैराबोला की इक्वेशन दी जाएगी और उससे आपको बोला जाएगा वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इनकी इक्वेशन निकालो, या आपको यही चीजें दी जाएंगी, सेंटर, फोकस, सेंटर तो नहीं, वर्टेक्स, फोकस, ये दिया जाएगा, इससे आपको इक्वेशन निकालनी होगी। ज्यादातर दो किस्म के सवाल होते हैं। तो अब ये सवाल जो है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सवाल आने लग गए, तो मैं सब नहीं करवाऊंगा, मैं आप लोगों को बेसिक सी बातें खुद ही बता रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि इस तरह आपने करना है, क्योंकि फिर लेब साइबर वाला ये भी मुझे सब कवर करवाना है, और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो खुद ही समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल है नहीं। वो ये है कि बिलफर्ज अगर आप कंसीडर करो आपको कोई डेटा दिया जाए और आपको इक्वेशन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्टेक्स दे दिया जाए, फोकस दे दिया जाए, तो देखो अगर आप इन इक्वेशन में देखो ना, अब इनके टेबल बनते हैं पूरा, अगर हो सका तो मैं टेबल आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये दो इक्वेशन जो है ना, इन दो को चार में भी तब्दील किया जाता है, वो इस तरीके से कि पहली वाली इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, और दूसरी को लिखा जा सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। वो उस वक्त क्या अगर आपका पैराबोला इस टाइप का हो, ठीक है, मतलब अभी तो ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मुंह खुला है ना, अगर इसका नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा तो फिर इसकी इक्वेशन हम क्या लेट करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, फोकस इसका क्या होगा यहां पर, अगेन ए पॉजिटिव ही हम लेंगे तो जो नेगेटिव है वो हमने ऑलरेडी लगा दी है, नेगेटिव इक्वेशन में लगा दिए, ए को हम नॉर्मली पॉजिटिव ही ले रहे होते हैं। इसी तरह यहां पे भी ए पॉजिटिव। अच्छा, दूसरे वाले केस अलोंग वाई एक्सिस में पैराबोला इस टाइप का बनता है यूं करके, ठीक है, ओरिजिन पे बनेगा, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड बनेगा इस टाइप, ठीक है। अच्छा जी, हाँ बस ये बात बतानी थी आपको, होता ये कि इनके सेंटर वर्टिसेस ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो मैं बेसिक केसेस के बता देता हूं, साथ में टेबल अगर हो सका तो मैं एडिटिंग में टेबल लगा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना कि वर्टिस कोऑर्डिनेट ये सब क्या होते हैं। तो जैसे अगर आप शुरू की बात करो, इन शुरू के दो केसेस में वर्टिस जो है वो ओरिजिन के ऊपर होता है 0,0, जो बाकी के दो केस हैं, या अगर आप इनकी बात करो इसमें भी तो वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर ही है ना, और ये जो बाकी दो केस है एंड के, इनमें वर्टेक्स क्या होता है, एच कॉमा के ऊपर होता है, मतलब वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं किसी और पॉइंट के ऊपर होता है। अगर फोकस की बात करो तो पहले वाले केस में आपने देखा फोकस क्या होगा, ए कॉमा जीरो पे, इसमें क्या हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, इसकी अगर आप बात करो इसमें फोकस होगा 0,a क्योंकि फोकस वाई एक्सिस पे चला जाएगा ना, और इसमें क्या हो जाएगा 0,-a, ये फोकस है, कोऑर्डिनेट है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, इसमें है x इज इक्वल टू माइनस ए, इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, अच्छा इसमें इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, और इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू ए। और अगर आप इनकी बात करोगे, इनकी इक्वेशन थोड़ी मुश्किल होती है, आई गेस अगर आप ये वाला पैराबोला बनाओगे तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू आई गेस h माइनस ए होगी, पूरा h डिस्टेंस में से a निकालोगे आई गेस, हाँ देख लेना टेबल मैंने बनाया होगा उसमें आपको देख लेना डायग्राम से, अगर आपको डायग्राम आती हो ना, ये जो एंड के दो केसेस है ना इस टाइप के बनते हैं कि ये ओरिजिन है लेकिन पैराबोला का वर्टेक्स कहीं यहां पे है, इस टाइप का पैराबोला बना रहे हो, ये पैराबोला का एक्सिस हो गया, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर कर लो यहां पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर ये फोकस है तो ये पूरा डिस्टेंस ए है, तो ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस हम लेते हैं एच के बराबर, ये पूरा डिस्टेंस होता है के बराबर, तो क्या हो जाएगा एच माइनस ए, मतलब ये पूरा एच है इसमें से ए माइनस कर दो तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए, इसमें हो जाएगी वाई इज इक्वल टू के माइनस ए हो जाएगा। तो कह रहे हैं मतलब बाकी मैं टेबल आप लोगों को पता हो तो आप लोग ये मजीद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है।
अच्छा एक इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, अभी तक बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी बच्चों रेशो होता है, किस चीज का रेशो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूं, इसको पी कह देते हैं, फोकस कोण एफ कह देते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम एम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस पी से लेके फोकस तक का डिस्टेंस पी एफ, ठीक है, और इस पी से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब पॉइंट और लाइन की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो इसेंट्रिसिटी रेशो होता है इन दो डिस्टेंस का, कि वो पॉइंट फोकस से कितना दूर है डिवाइडेड बाय वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से कितना दूर है। तो पैराबोला के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होता है, तो जब दोनों सेम चीजें होती हैं तो पैराबोला के अंदर मतलब तब सेम चीज हो तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, वन। तो दैट्स व्हाई पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वन होती है। ये जो इसेंट्रिसिटी है ना, ये अगर आप इसका मतलब देखो तो मतलब सिंपल, इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज आपको ये बताती है कि कोई शेप सर्किल से कितना दूर है। सर्किल को हमने एक फिक्स बनाया है, मतलब सर्किल को समझ लो रेफरेंस बनाया है, सर्किल की इसेंट्रिसिटी हमने जीरो रखी हुई है। अब जो शेप सर्किल से जितना थोड़ी अजीब होगी, दूर होगी, उसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करो, सर्किल और इलिप्स ऑलमोस्ट तकरीबन सेम टाइप के लगते हैं, तो दैट्स वाई जो इलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी जीरो से बड़ी और वन से छोटी छोटी होती है। पैराबोला जो है वो सर्किल से थोड़ा और डेविएट कर रहा है, उसकी इसेंट्रिसिटी वन है। हाइपरबोला जो है वो थोड़ा और खुलता है, खुल के पूरा बना हुआ होता है, तो वो और सर्किल से डेविएट कर रहा है, उसकी इसेंट्रिसिटी तभी वन से ग्रेटर होती है, टू थ्री जितनी भी हो सकती है उसकी। और जो स्ट्रेट लाइन है, अब सेंस बना रही है बात के, स्ट्रेट लाइन सर्किल से तो कितना अलग शेप है, सर्किल की शेप और स्ट्रेट लाइन की शेप तो जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी इंफिनिटी मानी जाती है। बारह, तो ये इसेंट्रिसिटी की हम यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दी है, ठीक है। पैराबोला में तो इसेंट्रिसिटी वन है तो निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला में आप इसेंट्रिसिटी निकालते हो, क्योंकि उसमें अलग अलग हो सकती है ना, एलिप्स में जीरो और वन के दरमियान कुछ भी आ जाए, हाइपरबोला में वन से ग्रेटर कुछ भी आ जाए, तो उसमें हम निकाल रहे होते हैं। एलिप्स में तो पैराबोला में तो हमें पता है इसेंट्रिसिटी वन के बराबर है। तो दैट इज, देख लिया हमने, टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, और पैरामेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो इनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बच्चों पैराबोला से रिलेटेड तकरीबन सारी मैंने आप लोगों को बातें बता दी हैं, कोई और बात जहन में आई तो जरूर बता दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शेप हम कवर करेंगे वो है इलिप्स की। अब जरा इलिप्स के बारे में बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, वही इलिप्स आया कहां से, किस तरीके से आपने कोण को डिवाइड करना है, तो वही मैंने बात बताई थी कि अगर आप एक्सिस के हल्के से एक एंगल पे कट करोगे कोण को, तो जो आपको शेप मिल रही होगी उसको हम इलिप्स कहते हैं। अब सवाल है कि इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, तो इलिप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर इलिप्स के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पिक करो, उस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट नंबर वन से, उस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट नंबर टू से, अगर इन दोनों डिस्टेंस को आपस में एड करोगे तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। मतलब आप कहीं भी पॉइंट पिक कर लो, उसका डिस्टेंस पहले फिक्स पॉइंट से, उसका डिस्टेंस दूसरे फिक्स पॉइंट से, अगर आप सम करोगे तो फिक्स कांस्टेंट आएगा। वो फिक्स कांस्टेंट हर इलिप्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलिप्स और ओवल में फर्क ही सबसे बड़ा ही है। आमतौर पर बच्चों को इलिप्स ओवल में फर्क नहीं पता, ओवल तो एक फिक्स शेप है, इलिप्स फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या है। अगर इसेंट्रिसिटी 0.2 लो या इसेंट्रिसिटी 0.9 लो, तो देखना इलिप्स में कितना फर्क आएगा। कोई इलिप्स पतले से हो सकते हैं, कोई इलिप्स थोड़े मोटे हो सकते हैं, तो इलिप्स और ओवल में सबसे बड़ा फर्क यही है। तो कहने का मतलब क्या था, क्या बात बता रहा था, कि हाँ वो हर इलिप्स पे डिपेंड करता है वो फिक्स कांस्टेंट क्या है। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, पहले मैं इलिप्स बना लूं, अगर मुझसे बन जाए सही तरीके से इलिप्स, एक टेढ़ा हो गया अभी से बहरहाल, तो हम एक इलिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो दिखाने वाला है ये इलिप्स, गुजारे लाइक है। तो और आप इस इलिप्स में जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस डेफिनेशन को हम जरा कंफर्म करते हैं यहां से। वो डेफिनेशन ये कि फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट पिक किया है यहां पे। अच्छा, इलिप्स के अंदर दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ये दो फिक्स पॉइंट बना देते हैं। तो कंसीडर कर लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इस पहले फिक्स पॉइंट से, जिसको फॉर एग्जाम्पल एफ का नाम देते हैं, इसको एफ प्राइम का नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इस वाले फिक्स पॉइंट से। अगर आप पी और एफ का डिस्टेंस निकालो, प्लस करो इसको पी और एफ प्राइम के डिस्टेंस से, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट रैंडम नहीं है, एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं 2a। मतलब वो क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसके बारे में मजीद हम पढ़ते हैं अभी। कहने का मतलब ये कि जब हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करोगे तो हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा 2a। अब वो हर इलिप्स पर डिपेंड करता है उस इलिप्स का a क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक इलिप्स का अगर a जो है कंसिडर कर लो 4 है,
तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, मतलब आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, कहीं भी पॉइंट पिक कर लो, उसका डिस्टेंस फोकस, उसका डिस्टेंस इस फोकस से सम करोगे 8 आएगा। तो हर एलिप्स में वो फिक्स एक नंबर आपको पता होगा, ये नंबर है, तो आप जब भी ऐड करोगे तो हमेशा उस कांस्टेंट के बराबर आएगा, और उस नंबर को आप क्या कहते हो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मैं भी बताता हूं थोड़ी देर में क्या सब चीजें होती हैं। तो ये डेफिनेशन होती है, इस तरीके से आप एलिप्स को डिफाइन करते हो। और एलिप्स को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि एलिप्स पे अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करो, उसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट, मतलब किसी भी पॉइंट को पिक करो, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट था, और डायरेक्ट्रिक्स भी बनती है ना ऑब्वियसली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स बनती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने एक पॉइंट पिक किया, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने फोकस से निकाला, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने डायरेक्ट्रिक्स से निकाला। तो इलिप्स के अंदर ये जो पी एफ है, इसको मैं एन नाम दे देता हूं। तो इलिप्स के अंदर ये जो पी एफ है और ये जो पी एम है, हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे पी एम ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई एसेंट्रिसिटी देखो जीरो तो नहीं हो सकती, जीरो के तो सेंस नहीं बनेगी, जीरो से थोड़ा ग्रेटर ही होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल जीरो हो गया तो मतलब वो सर्किल बन जाएगा फिर, क्योंकि सर्किल जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर आपका बहुत बड़ा हो जाए। और ये एलिप्स ये सर्किल में कंसिडर किया जाता है, सर्किल के अंदर डायरेक्ट्रिक्स नहीं होते ना, तो एज्यूम किया जाता है कि सर्किल के अंदर डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। मतलब अगर आप डायरेक्ट्रिक्स को इनफाइनाइट तक लेते, मतलब दूर करते जाओ, तो वो शेप जो है वो तकरीबन सर्किल बनती जाएगी। सर्किल में क्या हो जाएगा कि उसके डायरेक्ट्रिक्स इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स आपके इनफाइनाइट पे चले जाएं, डिनोमिनेटर आपका बहुत बड़ा हो जाए, तो ये पूरी फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आप बोलते हो कि वो सर्किल है, वरना एलिप्स के केस में क्या होता है कि जीरो से बड़ा ही कोई एसेंट्रिसिटी आ रही होती है। तो दैट्स व्हाई एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो से बड़ी लेकिन वन से छोटी। तो हमेशा एलिप्स के अंदर किसी भी कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे पॉइंट पिक कर रहे हो, तो फिर ये वाला डायरेक्टर्स आप कंसीडर करना, इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से ग्रेटर होगा। दैट्स व्हाई सेंट्रिसिटी आपकी एलिप्स में कम होती है। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है एलिप्स को। अब अगेन आ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, भाई एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स उस वक्त। अच्छा देखो, एलिप्स के अंदर दो एक्सिस कंसिडर होते हैं, ये वाला एक्सिस जो है ये पूरा क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। और दूसरा वाला एक्सिस होता है जिसको आप बोलते हो माइनर एक्सिस, ये वाला क्या है, माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है, अच्छा देखो अब ये भी फिक्स चीज है कि जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ को आपने ज्यादा लेना है, ठीक है, और जो माइनर एक्सिस है उसको आपने कम लेना है, ठीक है। मतलब छोटा वाला जो होगा वो माइनर ले लोगे आप, और बड़ा वाला जो है मेजर ले लोगे। अच्छा यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये जो टेबल होता है ना, जैसे पैराबोला में आपने देखा था, अब डिफरेंट बुक्स में टेबल को थोड़ा अलग बताया जाता है, दो तीन डिफरेंट बातें यूज होती हैं, और इक्वेशन समझने का भी डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से इक्वेशन को समझा रहे होते हैं। अभी जब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा ना कि अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो क्या इक्वेशन होगी सब, वो तो डिफरेंट टीचर अलग बता सकते हैं, वो बातें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन हर एक बंदे का अलग, नॉर्मली दो मेथड यूज हो रहे होते हैं, तो मैं पहले वाले मेथड को बता रहा हूं। तो अगर आप कहीं और से सुनो वो अगर थोड़ा डिफरेंट बताए, तो फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फिर आप उसी को फॉलो करो, किसी एक को फॉलो करो ताकि कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कि ए, क्योंकि कुछ ऐसे भी टीचर है वो बताते हैं कि एलिप्स के अंदर ए बड़ा भी हो सकता है बी से, और ए छोटा भी हो सकता है, जबकि मैं जो स्टैंडर्ड फॉलो करवा रहा हूं उसमें मैंने ए को बड़ा रखा हुआ है कि ए हमेशा बी से ग्रेटर होगा। तो दैट्स व्हाई कह रहा हूं ए को ही फॉलो करना ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। बहर तो मेजर और माइनर एक्सिस आपने देख लिया, मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है, चलो मैं साथ ही बता देता हूं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। अब सवाल यह है कि 2a कहां से आया भाई, ये सिंपल, क्योंकि वर्टिसेस आपने कंसीडर करना है भाई। वर्टिसेस वो पॉइंट होते हैं जिसपे कर्व अपने एक्सिस से मिलता है, ये एक्सिस है तो कर्व इस पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब एक्सिस है उस पॉइंट को आप कहते हैं वर्टिसेस। आप ये भी कहोगे कि सर कर्व तो इस एक्सिस से भी मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई इनको भी वर्टिसेस बोलते हैं, बस इनको हम बोलते हैं को वर्टिसेस, ये वर्टिसेस होते हैं और इनको आप बोलोगे को वर्टिसेस, ठीक है। बार तो हम एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यूज क्या है, a, 0, मतलब ये जो सेंटर जो है ना,
सेंटर इसका 0.0 पे है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1.0 और यहां पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1.0। तो ये भी पूरा डिस्टेंस ए है, ये भी पूरा डिस्टेंस ए है, तो टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी 2a के बराबर हो जाएगी। और अगर आप माइनर एक्सिस की बात करो तो हम कंसिडर करते हैं सेंटर से लेके यहां तक बी है और यहां तक भी बी होगा लेकिन डायरेक्शन की वजह से हम नेगेटिव लगाएंगे। तो अब सवाल यह है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b। कैपिटल M का मतलब मेजर, स्मॉल m का मतलब माइनर, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b होगी। तो इनको थोड़ा आप लोग देख लो। अच्छा जरा इक्वेशन पे आते हैं दोबारा। ये सर्किल की इक्वेशन, सॉरी इलिप्स की इक्वेशन कहलाती है उस वक्त जब उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो ये इक्वेशन होती है। अगर अलोंग वाई एक्सिस हो उसका मेजर एक्सिस, मतलब अगर आपका इलिप्स इस टाइप का बन रहा है, मैं थोड़ा कंसीडर करता हूं, तो अब मेजर एक्सिस जो है मतलब जो बड़ा वाला एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस आ गया और जो माइनर एक्सिस है छोटा वाला एक्सिस है वो अब एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया। तो अब इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, अब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। ये इक्वेशन होती है। याद रखना इलिप्स के अंदर ए जो है वो हमेशा ग्रेटर देन बी होता है, मतलब ऑब्वियसली ये बात आपको सेंस बना रही कि ये पूरा डिस्टेंस ए है और ये पूरा डिस्टेंस बी है। तो माइनर एक्सिस चूंकि छोटा है तो मतलब ये जो ए है ये हमेशा बी से क्या होगा ग्रेटर होगा। ए ग्रेटर नहीं हो सकता बी से क्योंकि बिलफर्स जो टीचर कहते हैं ना कि ए छोटा भी हो सकता है वो फिर ए को फिक्स कर देते हैं, वो कहते हैं कि ए हमेशा ही रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस वाले केस में ए बड़ा है जबकि यहां पे अगर आप ए देखोगे छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करवा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ हमेशा 2a रहेगी। आपने इसी तरीके से ए जो है उसको मेजर एक्सिस के साथ एसोसिएट करना है और जो बी है उसको माइनर एक्सिस के साथ ही एसोसिएट करना है। तो इस वाले केस में देखो यहां पे ए क्या होगा, ये पूरा ए मैं लूंगा, यहां पे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, a और यहां पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a, इसके हो जाएंगे b, 0, इसके हो जाएंगे -b, 0। तो अगेन अगर आप देखो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, अगेन ए जो है वो ग्रेटर है बी से। तो इलिप्स में हम जो फॉर्म स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उसमें हम कंसीडर करेंगे ए हमेशा ग्रेटर होगा बी के, और बिलफर्स अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाएं तो फिर वो सर्किल बन जाएगा, मतलब ए और बी अगर आपस में बराबर हो जाएं तो रेडियस है फिर वो, सिंपल लैंग्वेज में अगर ये ए है और इतना ही ए हो जाए तो ये भी वही ए होगा, ये भी वही ए होगा, इसका मतलब ये तो सर्किल बन गया और ए और बी बेसिकली रेडियस है यहां पे। तो अगर ए और बी बराबर हो जाए तो शेप फिर सर्किल बन जाती है। तभी मैंने बताया सर्किल और इलिप्स में बहुत माइन्यूटली फर्क है। अच्छा लेटर सेक्टम भी होते हैं, लेटर सेक्टम की अगर आप बात करो तो एक लेटर सेक्टम यहां पे मिलेगा आपको, एक यहां पे मिलेगा, डेफिनेशन वही है बिल्कुल, फोकल कॉर्ड है जो कि परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के, तो दैट्स व्हाई लेटर सेक्टम हम बोल रहे होते हैं इसके। अब यहां पे मेजर सॉरी लेटर सेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² / a। याद रखो जो हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स और सब बातें पढ़ रहे हैं ना, सेम बातें हाइपरबोला के अंदर भी होंगी, सेम ही कॉन्सेप्ट इनमें यूज हो रहा होता है। तो अगर इसकी लेंथ ये है तो हाइपरबोला में भी लेटर सेक्टम की लेंथ यही होगी। तो क्या है 2b² / a। अब अगेन वही बात, बी ए आपको कहां से मिलेगा, इक्वेशन से मिलेगा, इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इक्वेशन गिवन हो और आपको ये ए बी सी वर्टिसेस, अच्छा फोकस के कोऑर्डिनेट भी होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं c, 0 और इसको हम लेंगे -c, 0, मतलब ये पूरा डिस्टेंस c है तो ये पूरा डिस्टेंस भी c है लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये तो c है ना, अभी डेरिवेशन है पूरी, अगर आप c की देखो तो c की वैल्यू बराबर होती है ae के, वेयर a जो है ये पूरा डिस्टेंस और e जो है वो होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। अब अगेन ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन में जाना नहीं चाह रहा, तो c की वैल्यू क्या है ae, यहां से आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो पैराबोला की सॉरी इलिप्स की सेंट्रिसिटी अगर आपको निकालनी हो ना तो बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करो जस्ट सी अपॉन ए, मतलब सी को डिवाइड कर दो ए से तो आपके पास सेंट्रिसिटी आ जाएगी। और ये बात भी मेक सेंस कर दी है कि सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम होगी क्योंकि देखो ए जो है वो बड़ा है, सी जो है वो छोटा है, इलिप्स में ही होगा, तो दैट्स व्हाई हमेशा चीज 1 से कम ही होगी। अच्छा जी इसेंट्रिसिटी देख लीजिए, फोकस देख लिया आपने, अच्छा और क्या रहेंगे, हाँ जरा इक्वेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इक्वेशन गिवन हो इलिप्स की x² / 9 + y² / 4 = 1, तो कैसे पता चलेगा इसका एक्सिस कहां पे है, जस्ट पहचानने का तरीका ये है कि आपने देखना है बड़ा डिनोमिनेटर किसके नीचे है,
अगर बड़ा डिनोमिनेटर एक्स की टर्म के नीचे है तो फिर उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, और अगर बड़ा डिनोमिनेटर वाई की टर्म के नीचे है, मतलब वाई स्क्वायर की टर्म के नीचे है, तो उसका मतलब उस इलिप्स का मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। इस तरह आप समझोगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, बड़ा जो है वो एक्स के नीचे है तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, और बड़ा जो है ना वो हमेशा ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो और एक्सिस कहां पे है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। बिलफर्ज अगर इसको मैं चेंज कर दू, मैं इसको इस तरह कर दू, इसको 4 कर दू, इसको 9 कर दू, बड़ा तो देखो हमेशा ए स्क्वायर ही रहेगा, तो 9 जो है वो तो हमेशा ए स्क्वायर होगा और 4 जो है वो बी स्क्वायर होगा। लेकिन अब जो एक्सिस है ना वो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो ए स्क्वायर वाली टर्म है अब वो वाई के टर्म के नीचे आ गई है। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो जब आपको ए और बी मिल जाए, ए और बी से आप सी निकाल सकते हो, कैसे? इलिप्स के अंदर डेरिवेशन प्रूफ करते हुए हमने चीज प्रूफ की थी कि इलिप्स में ए स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर, या आप इजीली समझ लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इलिप्स में होता है कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है। यहां से आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर अगर निकालना चाह रही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इलिप्स के अंदर चीज फॉलो हो रही होती है। तो वंस आपके पास अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए तो सी स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इस वाले फॉर्मूले से आसानी से आप सी स्क्वायर निकाल सकते हो। जब सी स्क्वायर आ गया, सी आ गया, ए बी सी से आप कुछ भी निकाल सकते हो, सेंटर तो ओरिजिन पे है, फोकस निकाल सकते हो, वर्टेक्स निकाल सकते हो, कोवर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अच्छा, अगर डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टर्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। डेरिवेशन में हमने प्रूफ किया था कि ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूरा ए अपॉन ई है, दैट्स व्हाई इसकी इक्वेशन ये है। और इस वाले डायरेक्टर्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो वंस आपके पास ए बी सी आ जाए, आप उसे ई भी निकाल सकते हो, और जब ई भी आ गया तो आप आसानी से डायरेक्टर्स की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो मेन चीज क्या है, ए और बी पता हो, ए और बी से आप सी निकालोगे और आपके पास पूरी चीजें, जितनी भी डायरेक्टर्स की इक्वेशन, कुछ भी आप निकालना चाह रहे हो, लेटर सेक्टम की इक्वेशन, हर चीज आ सकती है अगर आपको ए बी सी पता हो। और वो आपको कैसे पता चलेगा, इक्वेशन से। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर बड़ा डिनोमिनेटर तो हमेशा ए स्क्वायर है, ठीक है। अब वो अगर एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे है तो आपका एलिप्सिस तरह बनेगा, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर वो वाई की टर्म के नीचे लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के टर्म के नीचे, तो अब आपका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस बन रहा होगा। बस इसमें ये होगा कि आपने फोकस वर्टेक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा डिफरेंट कर देना है। अच्छा, मेजर एक्सिस की डेफिनेशन हम क्या लेते हैं, मेजर एक्सिस की डेफिनेशन सिंपल ये होती है कि जो एक्सिस सेंटर से पास करे, वर्टेक्स से पास करे, फोकस से पास करे। जैसे देखो ये मेजर एक्सिस है, तो इसी मेजर एक्सिस के ऊपर सेंटर भी है, फोकस भी होंगे, वर्टेक्स भी होंगे, इसी तरह यहां पर भी आपने देखा था। तो वंस अगर आप इक्वेशन से ए बी सी निकाल लो, जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, आपको यहां पे ए और बी मिल गया, ए और बी से आप सी निकाल लोगे, वंस ये आ जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है वो तो पता है। इस वाले केस में फोकस कहां पे हो जाएंगे, जीरो कॉमा सी के ऊपर, और ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस सी के ऊपर। तो ए बी सी तो आपको पता है, इसी तरह वर्टेक्स आपको पता है। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस भी बोला जाता है इनको, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस या को वर्टिसेस भी बोला जाता है, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर अगर आप डायरेक्टिस की इक्वेशन देखो, तो इस वाले केस में डायरेक्टिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और इसमें हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अगेन e निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, तो डायरेक्टिस की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो यहां पर मेरी कोशिश होगी, मैं एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल में आप लोग देख लेना। अच्छा, ये जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, ऐसे भी इलिप्स बन सकते हैं जिनका मेजर एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो ना वाई एक्सिस के ऊपर हो, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो फिर क्या होगा, फिर उसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर एक्सिस जो है मेजर एक्सिस वो पैरेलल टू वाई है, तो बस फर्क ये पड़ेगा कि जो ए स्क्वायर वाली टर्म है वो अब वाई वाली टर्म के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़े एडवांस केस होते हैं, मैंने बता दिए, चाहो तो टेबल में इनके कोऑर्डिनेट्स भी मैं लगा दूंगा, आप देख लेना कि जब इस टाइप की इक्वेशंस हो जिसमें आपको नजर आ जाएगा ऊपर एक्स माइनस कुछ लिखा हुआ होगा, आप समझ जाओगे हाँ ये अलोंग एक्स एक्सिस वाले केस नहीं है, अलोंग वाले, ये पैरेलल वाले केस है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, लेकिन जब पैरेलल वाले केस होते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होते हैं। अगर इनके बारे में सर्च करना है तो बच्चों इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने डिटेल में
पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इनके डिटेल में क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सब सॉल्व करवा चुका हूं, तो शौक हो तो आप लोग देख सकते हो वहां पे, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट भी कभी पूछ लेते हैं कि फोकस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, तो फोकस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 2c है। अगर आप देखो ये पूरा c, ये पूरा c, तो दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 2c। वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, और को वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, और बता दिया, टेबल भी बता दिया आपको। अच्छा जनरल फॉर्म भी इलिप्स की यूज होती है, जनरल फॉर्म वही थी जो आपको पैराबोला के अंदर बताई थी मैंने, वो ये है कि विलफर्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। इसी टाइप की इक्वेशन आपने सर्कल में भी देखी थी, सर्कल की भी जनरल इक्वेशन यही थी ना, बस उसमें ए और बी आपस में बराबर थे। पैराबोला में आपने देखा था कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। इलिप्स में आप क्या देख रहे हो, इलिप्स में आप देख रहे हो कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे, दोनों मौजूद होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की टर्म आपको नजर आएगी, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन होंगे दोनों पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर टेन वाई स्क्वायर, आपस में बराबर नहीं होंगे लेकिन दोनों पॉजिटिव होंगे, ये जहन में आप लोग रख लो। और इलिप्स की इक्वेशन में एक्स वाई कॉन्स्टेंट सारी टर्म आपको नजर आती है, कुछ स्पेसिफिक इलिप्स हो सकते हैं जिनमें कोई टर्म मिस हो जाए, या अगर वो सेंटर से पास कर रहे हो तो बेबी कॉन्स्टेंट जीरो हो जाए, लेकिन मेजोरिटी अगर आप इलिप्स की बात करोगे तो आपको पांच टर्म मिल रही होती हैं, जैसे सर्कल के अंदर मिलती हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और सी। अगेन रोटेशन वाले केस में डिस्कस नहीं कर रहा, पर सर्कल और इलिप्स में फर्क यह था कि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल थे, इलिप्स में जो है वो इक्वल नहीं है, बस ये फर्क आपको नजर आएगा। तो बच्चों इलिप्स से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती थी, जो मेरे जहन में थी और जो मैंने लिखी हुई थी, वो तो मैंने सब आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त आ गया कि हम क्या करें। अच्छा इलिप्स की भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर इसमें ए और बी बराबर हो जाए तो सर्कल बन जाएगा ना, ये सर्कल की इक्वेशन में क्या थी, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वहां पे ए और बी मतलब आर आर होता था वहां पे, तो अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाए तो ये सिंपल सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। यही फर्क है सर्कल और इलिप्स में कि वहां पे रेडियस बराबर होता है, इलिप्स में ए और बी आपस में बराबर नहीं होते, ए हमेशा ग्रेटर होता है बी से। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ जाओ बच्चों हाइपरबोला के ऊपर। अच्छा हाइपरबोला शेप टोटली डिफरेंट है इलिप्स से, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स, जो टेबल जो हम यूज करते हैं वो सेम ही है जो आपने इलिप्स में पढ़े, बस 19-20 का फर्क है एक दो चीजों में, वो मैं आप लोगों को अलग से मेंशन कर दूंगा, वरना हाइपरबोला और जो इलिप्स है इनके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली सेम है जो हमने, हाँ एग्जैक्टली सेम है। तो जरा हाइपरबोला बनाते हैं, वही बात कि हाइपरबोला हमेशा आपको दो मिलते हैं, एक हाइपरबोला आपको यहां मिलेगा। अच्छा हाइपरबोला और पैराबोला में फर्क ही है कि हाइपरबोला थोड़ा ज्यादा खुला हुआ होता है और जो पैराबोला है वो थोड़ा कम खुला हुआ होता है। तो रफ सी मैंने डायग्राम बना दिए, हाइपरबोला दो बनते हैं, ठीक है। बेसिक बातें तो वही है बच्चों कि वर्टिसेस सबसे पहले ये वर्टेक्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स वही, इसके कोऑर्डिनेट आप लेट कर लो माइनस ए कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा जीरो। फोकस कहां पे होगा, यहां पे फोकस हम लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा सी कॉमा जीरो और ये हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो। डेफिनेटली हाइपरबोला के अंदर अब ये फर्क देख लो इलिप्स और हाइपरबोला में, एलिप्स में ए ग्रेटर होता था बी और सी से, ठीक है। बी और सी आपस में क्या होते थे, वो ग्रेटर स्मॉल हो सकते थे आपस में, लेकिन कंफर्म बात क्या थी, ए हमेशा ग्रेटर होगा बी या सी से। लेकिन अब पैराबोला सॉरी हाइपरबोला में आप देखो ए हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ए ये है और यहां से लेके यहां तक सी है, तो सी डेफिनेटली बड़ा है और ए यहां पे छोटा होगा। बार ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला है ओरिजिन के ऊपर। अच्छा जी फोकस बना दिए, और अब यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट्रिसेस बनेंगी, तो एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आ जाएगी, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, वही जो आपने यूज की थी इलिप्स के अंदर, ए अपॉन ई ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेटर सेक्टम अगेन वही बात कि एक लेटर सेक्टम यहां पर बनेगा, ठीक है, एक लेटर सेक्टम यहां पर बनेगा, सेम जो आपने डायग्राम थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, वरना जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सेम होता है। डायग्राम मैंने थोड़ी डिफरेंट गलत बनी है, वरना ये जहन में रखना, जैसे इसमें आपको दिखने में लग रहा है कि दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये हमेशा बराबर होते हैं। थोड़ा मैं इसको इस तरह कर लेता हूं ताकि थोड़ा नजर आ जाए आपको।
ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या है? बाय द वे लेटर रेक्टम के लिए प्लूरल का वर्ड क्या है? लेटरा रेक्टा, दो है ना, तो लेटरा, एल ए टी ए आर ए आर ई सी टी ए, लेटरा रेक्टा वर्ड होता है। और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम होती क्या है? लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या है? वही 2d² / a, ठीक है। तो बेसिक बातें तो हमने पढ़ ली हैं, फोकस। अब यहां पे कोवर्टिसेस मतलब यहां पे एक्सिस क्या होता है? अगेन दो एक्सिस आप यूज करोगे, ये वाला एक्सिस जो है ये क्या कहलाएगा? इसको मेजर आप बोल सकते हो, लेकिन हम हाइपरबोला के अंदर क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। दूसरा एक्सिस भी है, आते हैं उसके ऊपर। उससे पहले जरा इक्वेशन देखते हैं और फिर मैं इक्वेशन से एक नई चीज प्रूव करवाऊंगा आप लोगों को, जो सिर्फ हाइपरबोला में नजर आती है आपको। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हाइपरबोला रेस में फर्क ये है कि इलिप्स में नेगेटिव नहीं आता था, पॉजिटिव आता था, हाइपरबोला में नेगेटिव आ रहा है। बाकी इनकी इक्वेशन सेम है दिखने में, कोई फर्क नहीं नजर आता आपको। बस हाइपरबोला में या तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा या वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो ये वाली इक्वेशन होगी जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन होगी जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये क्या कहलाई जाएगी? क्या कहते हैं, हाँ, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये कब होगा? जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो। अच्छा, अब इसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, किस तरह मैं इक्वेशन पहचान रहा हूं? अब देखो, इलिप्स में तो हमने निशानी रखी हुई थी कि a हमेशा ग्रेटर होता है b से, यहां पे ऐसा नहीं होता। अभी जब मैं b बनाऊंगा ना, अभी b बनेगा यहां पे, जब मैं b बनाऊंगा तो ये बात कंफर्म है कि भाई a बड़ा भी हो सकता है b से, a छोटा भी हो सकता है b से, a बराबर भी हो सकता है b के, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो यहां पर डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो आप इस तरह नहीं दे सकते कि यार जो बड़ी चीज है डिनोमिनेटर में मैं उसको ए स्क्वायर बोल दूंगा, यहां पे ये वाला सीन नहीं होता। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं? हम यहां पे कहते हैं जो पॉजिटिव टर्म है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, जो पॉजिटिव टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम ए स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपके पास एग्जाम्पल आते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, आप देखो पॉजिटिव वाली टर्म कौन सी है? ये पॉजिटिव टर्म है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये आप क्या लोगे? ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो यहां वाले केस में ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 4 है, और यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के दरमियान क्या रिलेशन होता है? यहां पे रिलेशन होता है कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, ये रिलेशन होता है। तो अगर आपके पास ए बी आ जाए तो आप सी निकाल सकते हो और बाकी चीजें अगेन वो मालूम कर सकते हो। यहां पर भी अगेन सी किसके बराबर होता है? ए ई के। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? सी अपॉन ए। तो ए भी आप निकाल सकते हो, तो सब चीजें आ सकती हैं। अब यहां पे पता कैसे चलेगा कि यार आपका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है? तो सिंपल मालूम करने का तरीका है कि अगर आप ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर पहचानने का तरीका तो आपको पता है कि भाई अगर जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, ये तो आपको पता है। अब अगर वो पॉजिटिव वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे है तो अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे है तो अलोंग वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें आपने देखा था कि ए स्क्वायर जो था वो 9 था और वो एक्स के टर्म के नीचे था, तो अलोंग एक्स एक्सिस है। बिल्कुल, अगर मैं चेंज भी कर दूं तो अब फर्क बस ये पड़ा कि ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 9 है। ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर मैंने मेजर एक्सिस बोला तो सॉरी, ट्रांसवर्स एक्सिस अभी भी अलोंग एक्स एक्सिस है। बस फर्क ये पड़ा कि ए स्क्वायर 4 हो गया, बी स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन हैकर बोला एज इट इज वैसे ही रहा है। फर्क उस वक्त पड़ेगा जब मैं ये काम करूं। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो पॉजिटिव वाली टर्म कौन सी? अगेन पॉजिटिव वाली टर्म ये है, तो ए स्क्वायर तो 4 है, लेकिन अब जो ए स्क्वायर है वाई की टर्म के नीचे है, तो अब आप क्या बोलोगे कि इस ट्रांसवर्स एक्सिस का, यहां पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो जस्ट इस वाली इक्वेशन में आपका हाइपरबोला किस टाइप का बनेगा? इस टाइप का बनेगा कि यू शेप बनेगी उसकी, ठीक है। और ये उस वक्त होगा जब आपका जो ए स्क्वायर है वो वाई के टर्म के नीचे आ जाए। तो अगर ए स्क्वायर वाई के टर्म के नीचे आएगा अलोंग वाई एक्सिस, और अगर ए स्क्वायर एक्स के टर्म के नीचे आएगा तो अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं अभी को चेंजिंग करूं डिनोमिनेटर में तो एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये कर दूं, हाँ ए स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर 4 हो गया, ये पड़ा है, लेकिन एक्सिस अभी भी वाई एक्सिस रहा। एक्सिस का ताल्लुक उस वक्त है जब ए स्क्वायर वाई के नीचे है तो वाई एक्सिस होगा, बेशक ए स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो। और अगर ए वाली टर्म जो है वो एक्स के नीचे है, बेशक वो बी से छोटा है या बड़ा है, अब एक्सिस क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इन बातों को जरा आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह इसमें भी वो पैरेलल वाले केस डिस्कस हो सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसी तरह यहां पे भी आप लगा सकते हो, y के साथ हमेशा k आता है, x के साथ हमेशा h आता है, तो वही y माइनस के का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वो दो केसेस भी आप बना सकते हो। मुश्किल है वो, लेकिन कोऑर्डिनेट्स वही है जो आपने लिप्स में पढ़े थे, तो मैं टेबल लगा दूंगा उसमें आप लोग देख लेना। जो एक अजीब चीज है जो हाइपरबोला में है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। वो ये है कि बिल्कुल अगर आप हाइपरबोला की इक्वेशन को कंसीडर करो, या हाइपरबोला का जरा देख रहा हूं, आप एक काम करो जरा y की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मतलब इस वाले टर्म को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले आओ, ठीक है। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को जाके वहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा बी अपॉन ए, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट की टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप यहां से एक बात ऑब्जर्व करोगे, ये बात एलिप्स और वैक्यूम में नजर नहीं आती है, हाइपरबोला में नजर आती है। अब अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस वाली इक्वेशन को, तो आप इस नतीजे में पहुंचोगे कि अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लिमिट लू, लिमिट क्या है कि अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी पे लेके जाऊं, अभी बिल्फर्स को ही आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक्स एक्सिस की मार्किंग क्या होती है, 5, 10, 15, 20 इस टाइप की होती है ना। आप एक ऑब्जर्व करो कि आप ग्राफ को अगर किसी भी ऐप पे, जैसे डेस्मोस एक ऐप बड़ी इजीली है, आप उस पर कोई इक्वेशन ड्रॉ करो, मैं दे दूंगा इस वाली इक्वेशन को ड्रॉ कर लो, किसी को भी ड्रॉ कर लो, तो आपको एक हाइपरबोला मिलेगा। आप उसको जूम आउट करते जाओ, जूम आउट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और एक्स एक्सिस पे देखना आप बहुत लंबी लंबी 2000 इसकी स्केलिंग आपको नजर आ रही होगी, 3000, 10000, 20000, आप जूम आउट करते जाओ, मतलब आप एक्स को इनफाइनाइट पे ले जाओ। सिंपल लैंग्वेज में जब जूम आउट करोगे तो एक्स आपका इनफाइनाइट पे जाता जाएगा, 10000, 20000, 1 लाख, ये सब होता जाएगा। तो जब आपका एक्स इनफाइनाइट पे जाएगा तो आप उस ग्राफ में भी एक बात ऑब्जर्व करोगे, वो बात क्या है कि आपको ये जो हाइपरबोला है ना, जब आप जूम आउट करते जाओगे करते जाओगे, तो आपको ये हाइपरबोला बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी। अभी तो हाइपरबोला आपको इस तरह नजर आ रहा है ना, लेकिन जब मैं इसको जूम आउट करता जाऊं, मैं बहुत दूर चला जाऊं, सिंपल लैंग्वेज में मैं इस बोर्ड के बहुत दूर चला जाऊं, मुझे पता क्या नजर आ रहा होगा, और जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको नजर आएगी, जूम आउट करोगे तो आपको जस्ट ये चीज नजर आ रही होगी। आप जरा करके देख लेना, ग्राफ ड्रॉ करना, आप उसको जूम आउट करते जाना, आप देखोगे आपको ये ग्राफ नजर आ रहा होगा, हकीकत में तो ये था, लेकिन जूम आउट करने के बाद ये चीज नजर आ रही है। उस चीज की एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिल रही है। क्या मिल रही है कि अगर आप इसकी लिमिट एक्स को अप्रोच करो इंफिनिटी के पास, तो देखो जब एक्स बहुत बड़ा होगा तो ए स्क्वायर का तो कोई लेवल नहीं है ना उसके सामने। भाई अगर ए क्वांटिटी बहुत बड़ी है, उससे माइनस कर दो 4 के स्क्वायर को 5 के स्क्वायर को 10 के स्क्वायर, सो क्या फर्क पड़ेगा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस ए स्क्वायर को आप निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्स आप इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो, तो माइनस ए स्क्वायर की ऑलमोस्ट टर्म को आप हटा दोगे, एक्स स्क्वायर से बहुत ही छोटी है कि आप उसको निगलेक्ट कर दोगे। तो अब पीछे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन वही है जो आपको ग्राफ में नजर आ रही है। क्या क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि दो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ग्राफ में, जो ओरिजिन से पास कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगी जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब बी अपॉन ए, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह होगी जिसका स्लोप होगा नेगेटिव बी अपॉन ए। तो यहां से मैं बात समझ आ रही है कि जब आप हाइपरबोला में एक्स को अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी के पास, तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे जो आपका हाइपरबोला है ना, वो इन दो स्ट्रेट लाइन के पास अप्रोच कर रहे हैं, वो दो स्ट्रेट लाइन इस टाइप की है, इन दो स्ट्रेट लाइन के पास अप्रोच कर रहा है आपका ग्राफ। इन दो स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स मैंने शायद आप लोगों को प्री कैलकुलस में अभी तक शायद बताया होगा, एसिम्प्टोट वो लाइंस होती हैं जिनके पास आपका कर्व अप्रोच कर रहा होता है, या आपका कर्व बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, मिलेगा नहीं कभी लेकिन अप्रोच कर रहा होगा। और मैंने बता दिए कि जब आप इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो आपको यही नजर आ रहा होगा कि जो आपका हाइपरबोला है वो ऑलमोस्ट इन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो होगा नहीं, कुछ ना कुछ फर्क होता है, दूर से आपको नजर नहीं आएगा वो, लेकिन ऑलमोस्ट आपका अप्रोच कर रहा होता है। ये बात पैराबोला में नजर नहीं आएगी आपको, करके देख लेना बेशक जूम आउट, खुद ही आपको समझ आ जाएगी। हाइपरबोला के अंदर ये होता है, दैट्स व्हाई हाइपरबोला के अंदर आपको दो एसिम्प्टोट मिलते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, ये वाला एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। इस वाले एसिम्प्टोट का स्लोप है बी अपॉन ए, और इस वाले का स्लोप है माइनस बी अपॉन ए। ये मुझे एक नई चीज बतानी थी, ठीक है।
तो अब जब हाइपरबोला में एसिम्प्टोट होते हैं तो अब इसमें ट्रांसफर दूसरा एक्सिस कहां पे होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस तो आपने देख लिया, दूसरा एक्सिस कैसे आता है कि आप एक काम करो, ये जो वर्टेक्स है ना इस पे एक 90 डिग्री की लाइन इस तरह बना दो, इसी तरह यहां पे बना दो 90 डिग्री की लाइन बनानी है, ठीक है, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है उनको नोट कर लो, एसिम्प्टोट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उनको नोट कर लेते हैं हम, ठीक है, और उनको आपस में ज्वाइन कर दो, तो इस पॉइंट में ज्वाइन कर देता हूं, इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देता हूं, डायग्राम अगर सही बनाओगे ना तो ये प्रॉपर रेक्टेंगल आपको मिल रहा होगा, ये रेक्टेंगल वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना वो होता है आपका दूसरा एक्सिस, तो ये जो पूरा एक्सिस है ये दूसरा एक्सिस है जिसको हमने नाम दिया हुआ है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट इस सेंस में कि ये एक्सिस कभी हाइपरबोला से मिल नहीं रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कभी है, तो दैट्स द कॉन्जुगेट का वर्ड हम यूज कर लेते हैं, इस वाले को आप बोलोगे 0, b और इस वाले को बोलोगे 0, -b, दैट्स व्हाई ये कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, बाकी कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो आपने लेफ्ट में पढ़े थे कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होगा 2c, सेम वही चीजें आपने पढ़ी थी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² / a, इसेंट्रिसिटी c / a, बस फर्क यहां पे है कि c ग्रेटर है a से, तो दैट्स व्हाई इसेंट्रिसिटी आपको हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगी, बस ये फर्क है यहां पे, और एक तो सेंट्रिसिटी में फर्क है, दूसरा इक्वेशन में फर्क है जो मैंने आपको बताया था कि एलिप्स में नेगेटिव नहीं आता, हाइपरबोला में नेगेटिव आ रहा होता है, ये आपको फर्क नजर आता है, बाकी एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेट है जो आपने, बस दूसरा इस कंडीशन में फर्क आपको नजर आ रहा है, बाकी एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो आप एलिप्स में यूज करते हो, सेम ही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, सेम ही लेटर सेक्टम की इक्वेशन होगी, एग्जैक्टली बाकी वही चीजें सेम है, तो अब बिलफर्ज अगर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो तो अगेन आप ए बी निकाल सकते हो, ए बी से सी आ जाएगा, और वंस ए बी सी आ जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हो, किसी भी चीज की इक्वेशन निकालने में आसानी से निकाल सकते हो, तो आई गेस इसके अंदर कोई और बात नहीं है, खैर बाकी तो मैंने आप लोगों को बता दिए, डेफिनेशन हो गई, टेबल देख ली हमने, एसिम्प्टोट्स के बारे में देख लिया, मेजोरिटी चीजें आपको मैंने बता दी है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने लिखी भी नहीं है जो मुझे याद है, तो इसकी आई गेस मुझे जहां तक याद आ रहा है वो है ए कॉस थीटा और बी सेक थीटा, जहां तक मुझे याद है मैं कंफर्म कर लेता हूं अभी, ये होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, चेक करने का बड़ा आसान तरीका होता है, इसके अंदर पुट करके देख लो अगर सेटिस्फाई करनी है, बल्कि अभी कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस नहीं कॉस और सेक का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब टेंजेंट होना चाहिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि 1 + tan² sec² के बराबर होता है, तो sec² - tan² 1 के बराबर होता है, तो फिर ये इस टाइप का होगा, यहां पे sec आ रहा होगा और यहां पे टेंजेंट आ रहा होगा, अब ये सेटिस्फाई कर रही है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जब आप पुट करोगे ये हो जाएगा a² sec² डिवाइड बाय a², ये हो जाएगा b² tan² डिवाइड बाय b² = 1, तो ये b² a² कैंसिल, sec² - tan² ये 1 के बराबर होते हैं, तो ये हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, और बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है जो इन सब शेप में यूज होता है, चाहे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब में, वो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इसकी जनरल फॉर्म भी होती है, आपको बाकी भी टीचर्स ने शायद बताई हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हमने जनरल फॉर्म भी बनाई हुई है, उसमें एक डायरेक्ट आप पुट करते हो पॉइंट, आपको मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका कि आपको बोला जाएगा कि यार एक कर्व है, इस कर्व पे एक फलाना पॉइंट है, उस पर जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो, ये सवाल आपको दिया जाता है, तो इसकी जनरल फॉर्म भी बनाई हुई है कि यार उसके अंदर जस्ट आप पॉइंट पुट करो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, तो उस तरह भी आप कर सकते हो, या मैंने क्योंकि वो अलग याद करनी पड़ती है, तो ऑलरेडी इतनी चीजें याद करने की, तो सिंपल मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो आप किस तरह निकालते हो, चाहे वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, कोई भी शेप हो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले एक डेटा में क्या गिवन होता है, कर्व, आप कर्व को करो डिफरेंशिएट, जब कर्व को आप डिफरेंशिएट करते हो तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको एक स्लोप फंक्शन मिलता है, तो आप उस कर्व को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट जैसे कर लोगे तो आपको एक स्लोप फंक्शन मिल रहा होगा, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में मिल रहा होगा, आप क्या करना, आप उसके अंदर पॉइंट पुट कर देना, जो सवाल में आपको पॉइंट गिवन होगा ना कि इस कर्व पे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो इस पॉइंट को डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना, जो आपके पास नंबर आ रहा होगा ना, कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, वो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आप पॉइंट पुट करना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया
पॉइंट तो ऑलरेडी आपको गिवन था, तो यहां पे आप लगाओगे पॉइंट स्लो फॉर्म तो टेंजेंट की इक्वेशन आसानी से आ जाएगी। इसमें स्टेप ज्यादा है एज कंपेयर टू आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जनरल फॉर्म याद कर लो और डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दो, डेफिनेटली इसमें स्टेप ज्यादा है, लेकिन इसमें आपको नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट पुट करना है, दैट्स इट। पॉइंट और स्लोप से आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे। तो कोई भी कर्व कोई भी शेप आ जाए आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कितने, आप लोगों की इंटरमीडिएट की बुक में भी थे, वैसे भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जिसमें जनरलाइज चीजें प्रूफ की भी होती हैं, तो टीचर फॉर्मूले लिखवाए जा रहे होते हैं, तो लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी करके मैं लिखवा दूं फायदा, याद नहीं कर पाओगे आप। तो जिन चीजों को याद करने की नहीं जरूरत, अगर मेथड आपको ऑलरेडी पता है तो क्यों फिर आप याद करो, क्यों टाइम जाया करो। इसी तरह सर्किल के अंदर भी होता था कि अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हो, उसकी भी एक फॉर्म पूरी होती है। अब वो नई चीज याद रखने की क्या जरूरत है, अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो आप डायमीटर का मिड पॉइंट निकालो, सेंटर आ जाएगा, सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो, रेडियस आ जाएगा, सेंटर और रेडियस से आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लो और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो काम थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेथड को नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई चीज याद रखोगे तो फिर उसमें गलती होने के चांसेस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मैंने बता दिया किस तरह निकालोगे। एक और होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो कैसे हम निकालते हैं, टेंजेंट नॉर्मल मैंने सर्किल के अंदर आप लोगों को बताया था। तो वो निकालने का तरीका ये होता है कि वंस आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, पॉइंट पुट किया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। बिलफर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, बिलफर्ड कंसिडर कर लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 2। तो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो अगर इसका स्लोप 2 है तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी नॉर्मल उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव कर दो, तो नॉर्मल का स्लोप क्या मिल जाएगा, -1/2। तो जैसे ही नॉर्मल का स्लोप मिलेगा और पॉइंट तो वही है जो सवाल में गिवन है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल सेम ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं, तो पॉइंट तो वही होगा, स्लोप आप ये वाला यूज कर लेना, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का बहुत आसान तरीका है, तो नई चीज याद रखनी आपको जरूरत नहीं है सच। एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो कॉन्सेप्ट है कि सब शेप का है, तो मैं एक साथ ही आप लोगों को बता देता हूं, जितने सर्किल पैराबोला एलिप्स आप हाइपरबोला पढ़ा अभी तक आपने, वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वो कभी आपसे पूछी या आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, फिर हमारा एक कॉनिक सेक्शन का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। अच्छा एक और चीज जो आपने चेक करना हो ना कि कोई पॉइंट, ये तो खैर मैंने बता देता आप लोगों को। अच्छा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब यह है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को हम नॉर्मली लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है अगर ये टेंजेंट है किसी भी शेप के ऊपर और उन शेप की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम वो लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये टेंजेंट हो सर्किल पे और सर्किल की कौन सी इक्वेशन में दी है, सर्किल की वो इक्वेशन जिसमें उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, तो फिर एक कंडीशन आएगी। मतलब कंडीशन निकालने का तरीका बहुत आसान है, अगर आप डेरिवेशन करना चाह रहे हो आप जस्ट स्ट्रेट लाइन में जो y की वैल्यू उसको पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिटरमिनेंट है उसको जीरो के बराबर रखो। क्यों, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, तो इसका मतलब देखो इंटरसेक्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्किल की बात करो तो एक लाइन सर्किल को तीन तरीके से कर सकती है, या तो वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, या वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, या वो कर ही नहीं रही, ये रिलेशन होगा ना आपस में। तो अगर वो एक पॉइंट पे कर रही है, ठीक है, आप क्या करते हो, अगर आपने सर्किल और स्ट्रेट लाइन को चेक करना हो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, इक्वेशन को सोल्व करते हो आपस में। तो आप वाई की वैल्यू पुट करना है यहां पर, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी एक्स के अंदर। अब आपको पता है क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो आंसर आते हैं, दो पॉइंट आपको मिलेंगे, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम ही है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू मिलेंगी ना, वो लाजमी दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दो अलग होंगी तो वाई की भी दो अलग वैल्यू होंगी, तो वो दो पॉइंट मिल जाएंगे, वो तो ये सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन टेंजेंट के अंदर एक ही पॉइंट होता है, तो दैट्स व्हाई डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो उस वक्त होता है जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं, दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल है। तो निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, आप पुट करो और डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर रखो, तो आपके पास एक कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं। वो कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1+m2। मुझे एग्जैक्ट सब कंडीशन याद नहीं है, मैं वेरीफाई कर लूंगा बाद में कि वो गलत तो नहीं मैंने बताया,
तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अगर स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है सर्किल के ऊपर, और सर्किल की भी कौन सी इक्वेशन ये वाली, तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, मतलब सी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वन प्लस एम स्क्वायर। अगर मिलफर्स स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करें पैराबोला की, तो अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम, वेयर ए यहां से आएगा और सी और एम तो स्ट्रेट लाइन क्या। अगर आप यूज करो इलिप्स, ठीक है, तो अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप यूज करो हाइपरबोला, और हाइपरबोला की भी कौन सी इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस हो, तो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई इसमें कोई मैंने मिस्टेक की होगी तो मैं बाद में कंफर्म कर लूंगा और वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इसमें मिस्टेक हो। तो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के जब स्ट्रेट लाइन डिफरेंट कर्व के ऊपर टेंजेंट है। मेरा टॉपिक कंप्लीट है, बस आखिरी बात बताता हूं पहचानने की तरीका क्या है। अगर आपके पास इन चारों कर्व की इक्वेशन आ जाए तो पहचानोगे कैसे। पैराबोला तो देखो सबसे अलग है, पैराबोला की इक्वेशन आपको दिखने में नजर आ जाएगी पैराबोला, क्यों, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन में या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा। तो आपको देख लो कि अगर एक्स स्क्वायर मौजूद है या अगर वाई स्क्वायर मौजूद है, एक साथ मौजूद नहीं हो सकते, तो आप समझ जाओगे पैराबोला। सर्किल, एलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों की अगर आप जनरल फॉर्म देखो ना, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स की टर्म वाई की टर्म कॉन्स्टेंट, ये पांचों टर्म होती है, तो आप पहचानोगे कैसे। सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होगा, तो आप देख लोगे। एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा, अगर एक्स स्क्वायर का 2 है तो वाई स्क्वायर का 3 होगा, एक्स स्क्वायर का 4 तो वाई स्क्वायर का 5 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। और हाइपरबोला की कैसे पहचानोगे, कोई एक नेगेटिव होगा, या तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा या वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा। कोएफिशिएंट बराबर भी हो सकते हैं कि मे बी 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, कोएफिशिएंट दोनों के 2-2 हैं या डिफरेंट हैं। अगर आप ये समझ लो कि अगर साइन कंसीडर करो, और सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, दैट्स इट। कंसीडर डिफरेंट में कंडीशन आपको बता देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हाइपरबोला, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाइपरबोला, बस एक नेगेटिव है। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाइपरबोला, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हाइपरबोला, एक नेगेटिव हो तो दैट्स व्हाई हाइपरबोला हो जाता है। और लिप्स तो मैंने बता दिया दोनों पॉजिटिव होते हैं लेकिन कोएफिशिएंट दोनों के डिफरेंट होते हैं, और सर्किल में दोनों पॉजिटिव और दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा जी, अभी एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी, हाइपरबोला में एक कैटेगरी भी होती है जिसको आप कहते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी एकदम से मेरे जहन में आ गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों वो हाइपरबोला होता है जिसमें ए और बी आपस में बराबर होते हैं, और एक और चीज भी होती है इसके अंदर कि जो एजेंट्रोड्स है ना वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा हाइपरबोला जिसमें एजेंट्रोड्स परपेंडिकुलर हो, और जब एजेंट्रोड परपेंडिकुलर होंगे तो ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उस हाइपरबोला को आप क्या बोलते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उस वाले हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी भी क्या होती है, रूट टू के बराबर होती है। रूट टू जिस भी हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है उसका मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसी तरह एलिप्स के अंदर एक यूज होता था कॉन्सेप्ट ऑक्सिलरी सर्किल का, ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल स्पेलिंग देख लेना, ऑक्सिलरी सर्किल वो वाला सर्किल होता है कि जिस सर्किल में रेडियस और जो मेजर एक्सिस है वो इक्वल हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्किल आपने बनाया और ये उसका फॉर एग्जांपल डायमीटर है और यहां पे एक इलिप्स बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस सर्किल को देखो, यहां पे इलिप्स का मेजर एक्सिस और सर्किल का डायमीटर ये आपस में बराबर है, तो ऐसा सर्किल जिसमें डायमीटर ऑफ सर्किल और मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स आपस में बराबर हो, उस वाले सर्किल को आप कहते हो ऑक्सिलरी सर्किल। एक डायरेक्टर सर्किल भी होता है, टेंजेंट से रिलेटेड होता है, शौक हो तो गूगल पे सर्च कर लेना इसको। अच्छा जी, उसके बाद एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक हाइपरबोला है ना, ये जो हाइपरबोला मैंने बनाया हुआ था इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर ये किसी और हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाए, फॉर एग्जाम्पल इस हाइपरबोला को हम इस तरह बनाते हैं और एक हाइपरबोला हम ऊपर बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्व करो, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है जो पहले हाइपरबोला बनाया था इसका, लेकिन जो दूसरा बनाया है ये उसका कॉन्जुगेट एक्सिस है। अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं दोबारा बताता हूं, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है इस वाले हाइपरबोला का, जबकि जो ऊपर मैंने बनाया ये उसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह ये जो था ये कॉन्जुगेट, ये हाइपरबोला थोड़ा ऊपर बनेगा तब बात आपको ज्यादा समझ आएगी, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा बताना चाह रहा हूं, टाइम मेरा बहुत कम है, कि
अगर इस वाले को देखो तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कि कॉन्जुगेट एक्सिस था दूसरे वाले हाइपरबोला का। तो अगर एक हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस दूसरे का कॉन्जुगेट हो तो उस वाले हाइपरबोला को आपस में दोनों को क्या बोलोगे कि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इक्वेशन निकालना भी बड़ा आसान तरीका है। अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करके लिखो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले हाइपरबोला का ये कॉन्जुगेट है, या आप ये भी बोल सकते हो इस वाले का कॉन्जुगेट ही है। अच्छा इसको कंफ्यूज नहीं करना वाई एक्सिस वाले ट्रांसवर्स एक्सिस से। ट्रांसवर्स एक्सिस जब वाई एक्सिस के लॉन्ग होता था ना तब इक्वेशन ये नहीं होती थी, क्योंकि देखो हमेशा ए स्क्वायर पॉजिटिव टर्म के नीचे होता था, यहां पे तो ए स्क्वायर देखो नेगेटिव टर्म के नीचे। तो याद रखना ये ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस वाला केस नहीं है जो मैंने ऊपर बनाया। जब अलोंग वाई एक्सिस वाला केस होता है ना तो फिर ट्रांसवर्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पे बन जाएगा इसका, वही ए और ए यहां पे इसके लिए जाएंगे। अभी मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस को यहीं पे रखा है जबकि इस वाले हाइपरबोला का ये मैंने कॉन्जुगेट एक्सिस बना दिया। तो इस वाले केस में अब चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। जो आपने पढ़ा था ना एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की हो जाएगी सी अपॉन बी, क्योंकि ए और बी के रोल्स आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। खैर अगर आपने मजीद देखना तो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ हाइपरबोला का, आप वो देख लेना। मजीद के सारे कॉन्सेप्ट वहां पे डिटेल में डिस्कस है, अभी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, डिटेल में एनालिटिकल ज्योमेट्री का कॉनिक पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।